चलो शाहजी, बुलावा आ गया, उठो उठो, टाइम हो गया, उठो उठो आओ। सर जी, सर कैदी हाजिर है। सर प्रमदत, ये कैदी का लिबास उतारकर शरीफों वाले कपड़े पहन लो, क्योंकि जिस जलसे में तुम जा रहे हो और तुम्हें इनाम मिलने वाला है, वहां शहर के बड़े बड़े मुअज्जिज लोग आने वाले हैं, और उन लोगों के दरमियान तुम्हें भी एक इज्जतदार इंसान बनकर शामिल होना है। पहन लो इन्हें। मेरी ये किताब जिसका उन्वान है जंगल का कानून, इसको आपके संस्था ने पुरस्कार दिया है और मुझको एक मौका दिया कि जेल की बंद चार दीवारी से बाहर निकलकर खुली फिजा में थोड़ी देर के लिए सांस ले सकूं। ये तकदीर का मजाक नहीं तो और क्या है? ये हाथ जिनमें हथकड़ियां लगाई गई थी, हथकड़ियां जिनमें लगाई गई थी, आज उन्हीं में न्याय ज्योति का पुरस्कार दिया जाएगा। जंगल का कानून एक प्रोटेस्ट है, एक मांग है इस समाज से कि वो लोच ले इस देवी की आंखों से ये पट्टी, ताकि ये देख सके, बचा सके बेगुनाहों को अपने अंधे फैसलों से, और पहचान सके दुष्ट गुनाहगारों के चेहरे। आभारी हूं मैं आपका और आपकी संस्था का जिसने मुझे पुरस्कार दिया, साथ दिया मुझे एक ये खूबसूरत मौका इस महान देवी के दर्शन का, जिसके नाम मैं अपनी ये किताब समर्पण करता हूं। कई वर्षों के बाद जेल की सलाखों के बगैर मैं अपनी पत्नी सुजाता को देख पा रहा हूं। अगर सुजाता ना होती तो यकीनन मैं भी ना होता, और अगर मैं ना होता तो यकीनन ये किताब भी ना होती। धन्यवाद दोस्तों। इस जलसे के मुअज्जिज मेहमान श्री ब्रह्मदत्त जी को उनकी किताब जंगल का कानून के लिए न्याय ज्योति का पुरस्कार देंगे श्री इंद्रजीत जी। आइए आइए। मैं ये नाम लूंगा, नापाक कर दिया तूने, नापाक कर दिया इसने न्याय ज्योति के इस पुरस्कार को छूकर। नहीं ले सकता सर, नामुमकिन। मिस्टर ब्रह्मदत्त, आपने ऐसा क्यों किया? क्या जंगल का कानून लिखने के बाद आप भी जंगल के कानून पर विश्वास करने लगे हैं? चीफ गेस्ट, मिस्टर इंदर जी से आपकी क्या दुश्मनी है? मिस्टर ब्रह्मदत्त, आपने ऐसा क्यों किया? बताइए ऐसा क्यों? आखिर कुछ तो बताइए ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? आखिर क्यों? तो बताइए। Have a drink. No, thank you. पीते नहीं? पीऊंगा, मगर जिंदगी में कामयाबी के कभी किसी ऊंचाई पर पहुंच लेने के बाद जरूर पीऊंगा। ओह, मैटर ऑफ प्रिंसिपल, उसूलों की बात है। सुजाता बहन, तब तक के लिए कुछ चाय नाश्ते का इंतजाम करो। हाँ हाँ, चलो बेटी, चलो मेरे साथ। जो आजकल
रोजी रोटी का क्या मसला है मिस्टर इंद्रजीत? सर, इंश्योरेंस का कुछ काम है, और वैसे लक्ष्मी चिटफंड में 3 साल तक मैं एरिया मैनेजर रहा हूँ। लक्ष्मी चिटफंड के खिलाफ तो फ्रॉड का मुकदमा चला था ना, अखबारों में भी छपा था, मैंने पढ़ा था कि वो एमडी और चेयरमैन दोनों गिरफ्तार हो गए थे। यू आर करेक्ट सर, वो एमडी तो बड़ा चलता पुरजा आदमी था, फ्रॉड के सारे सबूत तो गायब कर दिए उसने, वो खुद तो बच निकला, और वो चेयरमैन बेचारा सीधा आदमी था, वो अंदर हो गया। सब नगर नारायण की करामाते हैं साहब। आप तो जानते हैं। जानता हूं, लेकिन ऐसे मामलात को मैं जायज नहीं समझता, आपका क्या ख्याल है? जायज और नाजायज की परवाह आजकल के जमाने में कौन करता है? प्रिंसिपल, उसूल, ये सब वर्ड्स हैं, कोई मायने नहीं रखते साहब। इनफैक्ट कामयाबी की ऊंचाई वही सबकी मंजिल है, उस मंजिल तक पहुंचने के लिए लोग लाशों पर भी पांव रखकर ऊंचा जाने की कोशिश करते हैं सर। दिस इज अ न्यू काइंड ऑफ वर्ल्ड, इट्स अ न्यू वर्ल्ड सर। आप मेरा मतलब समझ रहे हैं ना साहब? साहब, मैं कुछ ज्यादा बोल गया? नहीं, एक तरह से तो अच्छा ही हुआ। मैं ये तो नहीं कह सकता मिस्टर इंद्रजीत कि आपसे मिलकर मुझे बड़ी खुशी हुई, लेकिन ये बड़ा अच्छा हुआ कि मैं आपके ख्यालात जान गया। आप जा सकते हैं। गुड बाय मिस्टर इंद्रजीत। गुड बाय सर। अरे ये क्या, कहाँ चल दिया वो लड़का? हाँ, चाय पिए बिना ही? हाँ, वो कुछ ऐसा ही हो गया। पर हुआ क्या, आपने भी उन्हें रोका नहीं डैडी? उसे इस काबिल नहीं समझा। क्या देखा उस शख्स में तुमने, जिसका कोई कैरेक्टर नहीं, किरदार नहीं, बस बुलंदियों को छूने का एक जुनून है उसमें? छोरा बेअदब, हरगिज वो तुम्हारे लायक नहीं। आपको मालूम होना चाहिए डैडी, मैंने इंद्रजीत को अपने जीवन साथी बनाने का फैसला कर लिया है। वो फैसला तुमको बदलना होगा। नहीं बदल सकती मैं अपना फैसला, बदलना है तो आप अपने पुराने ख्यालात बदलिए। मैं इंद्रजीत से मोहब्बत करती हूँ, वो मुझसे मोहब्बत करता है, और दुनिया की कोई ताकत हमें एक दूसरे से जुदा नहीं कर सकती। पापा, अपनी जबान को लगाम दो, सुनो। बकवास बंद कर ले। बकवास नहीं, मैं सच कह रही हूँ माँ। पापा, अपनी राय के सिवाय आपके दिल में न किसी के लिए कोई प्यार है न परवाह। आप धनवान होंगे, बहुत बड़ी स्टील फैक्ट्री के मालिक होंगे, लेकिन मेरी किस्मत के मालिक आप नहीं, इंद्रजीत है, जिसे दिल से मैं अपना पति मान चुकी हूँ। खामोश। बेटा, सोनू। यार ब्रह्मदत्त, ये क्या हिमाकत है, जवान बेटी के मुंह पर थप्पड़ मार दिया तुमने। तुमने उसकी बातें सुनी? ये उसकी बात नहीं थी, उसकी उम्र का तकाजा था। अगर औलाद अपनी माँ बाप से देखते हुए अंगारे मांगे, तो क्या माँ बाप उनकी झोली में वही अंगारे भर दे? तुम उसे समझने में गलती कर रहे हो, मुझे तो वो लड़का काफी समझदार और अपनी सोनू के काबिल लगा। भाई सुनिए, सुनिए, देखिए तो सोनू ने क्या कर लिया, सारी गोलियां निकल गई। नहीं डॉक्टर साहब, सोनू की बात कर रहा हूँ, नींद की 30-40 गोलियां खा गई है वो। किसी हाल में भी उसे सोने मत दीजिए, मेरे आने तक उसे जगाए रखिए, वरना जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। आंखें खोलो सोनू, देखो मैं तुम्हारा डैडी बोल रहा हूँ बेटी, मैं तुम्हारा डैडी बोल रहा हूँ। मुझसे भूल हो गई बेटी, उससे मैंने तुम्हें थप्पड़ मार दिया। मेरे दिल में तुम्हारी भलाई के सिवा और कुछ नहीं था, मुझे माफ कर दो, ऐसा कभी नहीं होगा, अब ऐसा कभी नहीं होगा। सोनू, सोनू आंखें खोलो, आंखें खोलो बेटी। एक ही मिनट, आओ मेरे साथ। अरे तुम इतना घबरा क्यों रहे हो, मैं कोई भयानक ख्वाब तो नहीं, तुम्हारी बीवी हूँ। यहाँ क्यों आई हो? जब कोई रास्ता भूल जाए, खो जाए, तो उसकी तलाश करनी ही पड़ती है। ना तो मैं रास्ता भूला हुआ हूँ और ना खोया हुआ हूँ। तुम झूठ बोलते हो, तुम दौलत और लालच के जंगल में खोए हुए वो जानवर हो जो अपने घर का रास्ता भूल चुका है। क्या बकती हो, मुझे सब मालूम हो चुका है, तुमने मुझे ही नहीं अपने मासूम बच्चे को भी धोखा दिया है। आज उसका जन्मदिन है,
वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। आखिर तुम्हें क्या हक था कि तुम अपनी बीवी और बच्चे को छोड़कर खुद एक अमीर लड़की से शादी करके अय्याशी की जिंदगी हासिल कर लो? हासिल करना तो हर इंसान का हक होता है, और तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मेरे जीवन की एक ही आकांक्षा थी, सक्सेस एट एनी कॉस्ट। सक्सेस एट एनी कॉस्ट, जब एक इंसान कामयाबी हासिल करने के लिए दूसरे इंसान को सीढ़ी बनाता है तो वो इंसान इंसान नहीं रहता, जानवर बन जाता है, और तुम वही जानवर हो। अगर मैं चाहूँ तो इसी वक्त सच्चाई बताकर तुम्हारी इस हैवानियत की बहुत बड़ी सजा दिलवा सकती हूँ। तुम मेरी भी सुन ले कि गरीब के सच की कीमत जितनी कम है, एक अमीर के झूठ की कीमत उतनी ही ज्यादा है। और आज मैं कामयाब इंसान हूं, और हाँ, मैं तुम्हारे जज्बात की कीमत जरूर अदा कर सकता हूँ अभी इसी वक्त। मैं कोई पेशावर औरत नहीं हूँ, मुझे कीमत नहीं, हक चाहिए, अपना हक, अपने बच्चे का हक। मुझे वो हक भी मंजूर है अगर तुम्हें अपने सुहाग और सिंदूर का बंटवारा मंजूर। हरगिज नहीं, तुम्हारी ये सौदेबाजी मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं। चलो, तुम्हें सौदेबाजी मंजूर नहीं ना, सही, लेकिन मेरी कामयाबी में हिस्सेदार तो तुम बनी सकती हो। वो कैसे? बताता हूं। इससे साइन चेक, जो चाहो लिख लो। लिखूंगी तुम्हारी मौत। एक बात और याद रखना, एक दिन तुम्हारे बेटे के हाथों ही इस चेक को कैश करवाऊंगी। हाँ। आ गई माँ। माँ, पापा कहाँ है? तुम तो कहती थी कि मेरे जन्मदिन के तोहफे में पापा को ले आओगी, कहाँ है वो? माँ, तुम तो कहती थी कि पापा साथ आएंगे, फिर तुम अकेले क्यों आई? तुम्हारा पापा नहीं आएगा, वो कभी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएंगे? तुम झूठ क्यों बोलती? क्यों नहीं? मैंने कहा ना नहीं आएगा, वो नहीं आएगा। तुम झूठ बोल रही हो। क्या क्या कहा? मैं झूठ बोल रही हूँ? हाँ, तुम झूठी हो, तुम हमेशा झूठ बोलती रहती हो। मुझे नहीं मानूंगी अपनी सालगिरह, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरा पापा चाहिए, मेरा पापा चाहिए। कमी नहीं की औलाद है, तेरी रंगों में भी उसी का गंदा खून बह रहा है। जा, तू जाकर मर जा, मर जा, चला जा यहाँ से, चला जा। हाँ, मैं भी तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा, जाता हूँ मैं, वापस कभी नहीं आऊँगा, कभी नहीं आऊँगा, कभी नहीं आऊँगा, कभी नहीं आऊँगा। मेरा बच्चा, विजय, रुक जा, रुक जा विजय। एक रोटी दे दो साहब। चल बे, रास्ता पकड़। दो दिन से कुछ भी नहीं खाए साहब। अबे, मैंने तेरे बाप से कर्जा लिया है क्या? काम मर गया वो हराम ज्यादा सारा तुझे पैदा करके। गाली क्यों दे रहे हो साहब? अबे, गाली नहीं दूं तो क्या तेरा मुंह चूमूं? मैंने तो सिर्फ रोटी मांगी है साहब। अबे हराम के पिल्ले, क्या तेरी माँ मेरी रखेल है जो तुझे रोटी देने का ठेका दे रखा मैंने? ने मेरी माँ को गाली दी? हराम साले, मैं तुझे जिंदा नहीं छोडूंगा, नहीं छोडूंगा। हराम साले, गंदी नाली के कीड़े, तूने मेरी बाटली तोड़ दी। तूने गाली क्यों दी? साले, गाली की बात करता है? अब तुझे गाली नहीं, गोली भी दूंगा। बहुत भूख लगी थी ना तेरे को, ये ले। किसी ने कुछ नहीं देखा, चलो। शुक्र है तुम्हारी जान बच गई, ये गोली तुम्हारे पेट में थी। किसने मारी थी ये गोली तुम्हें? किसी ने नहीं डॉक्टर, मैं पूछता हूँ क्यों मारी मुझे ये गोली? मैंने तो सिर्फ रोटी मांगी थी,
उसने मुझे गोली क्यों मारी? सिस्टर, तुम बताओ, मैंने जब रोटी मांगी तो उसने गोली क्यों मारी? बाबा, ओ बाबा, मैंने तो रोटी मांगी थी, मगर उसने गोली क्यों मारी? क्यों मारी गोली उसने? बेटे, आज की दुनिया ही ऐसी है, रोटी मांगो तो गोली मिलती है। ठीक है, आज से मैं भी लोगों के पेट में गोली मारूंगा, सबके पेट में गोली मारूंगा, सबके पेट में। और अब जो तजवीज मैं पेश करने जा रहा हूं, मुझे यकीन है उससे हमारे कंपनी की वर्किंग में और आने वाले साल के मुनाफे में मजीद इजाफा होगा। जेंटलमैन, मैं जनरल मैनेजर के लिए प्रपोज करता हूं एक होनहार नौजवान का नाम, और वो नाम है मिस्टर इंद्रजीत सबरवाल। आई थिंक ही डिजर्व्स अ बिग हैंड। थैंक यू। और साहिबान, इसके साथ ही हमारी आज की मीटिंग खत्म होती है। थैंक यू वेरी मच। डैडी, मुझे आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद देने से पहले मैं तुम्हें एक मशवरा देना चाहता हूं इंद्रजीत। मैं जानता हूं कि आजकल के नौजवानों को बहुत जल्दी है दौलत हासिल करने की, नाम कमाने की। तुम भी उन्हीं में से हो, ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मेरा मशवरा है कि अपनी इस तेजी के सफर में हर कदम पर इंसानियत की जो अच्छी कदरें हैं, ईमानदारी, सच्चाई और खुलूस, इन तमाम कदरों को कायम रखो, क्योंकि इनका खून करके अगर इंसान कोई दौलत या नाम कमाता है तो वो निगरामी नहीं है, वो उसके माथे पर पाप का कलंक बनकर रह जाता। डैडी, मैं आपके नेक विचारों और ऊंचे आदर्शों को अपना धर्म मानकर काम करूंगा और एक दिन आपका सही वारिस बनकर दिखाऊंगा। भाई ब्रह्मदत्त, मैं तो भूल ही गया था, क्या ये रहे तुम्हारे हवाई जहाज के दो टिकट, तुम्हारा और भाभी का। कहाँ के हैं? कश्मीर की हैं। अब हम कुछ दिनों के लिए छुट्टियां मना सकते हैं। भाभी की भी ख्वाहिश है कि कश्मीर की सैर की जाए, तो आपके लिए होटल का कमरा बुक कराया और ये दो टिकट। वो मोहिनी के इम्तिहान, मोहिनी के इम्तिहान दो दिन के बाद खत्म हो जाएंगे, हम लोग भी आपको ज्वाइन कर लेंगे बस। कौन? कौन? आप? शायद इंसानों से ज्यादा आप परछाइयों से डरते हैं। दूसरों की परछाइयां छोड़िए, बड़ा मुंह छोटी बात, मैं तो खुद की परछाई से भी डरता हूं सरकार। आपके दिल में कोई चोर है। चोर? जी हाँ, मेरे जीएम बनने पर सबने तालियां बजाई मगर आपने नहीं। वो क्या है कि मेरा, इसीलिए तो कहता हूं कि आपके दिल में जरूर कोई चोर है। और मैंने ये भी सुना है कि बेईमानी, हेरा फेरी अगर इस फैक्ट्री में कोई कर सकता है तो वो सिर्फ आप कर सकते हैं। ये आप क्या कह रहे हैं सरकार? घबराइए नहीं, मुझे ऐसे ही लोग पसंद हैं। लेकिन सरकार, आप तो मालिक के दामाद हैं। मैं किसी का दामाद नहीं, किसी का पति नहीं, किसी का बेटा नहीं, किसी का बाप नहीं। मेरा इस दुनिया से सिर्फ एक ही रिश्ता है और वो है कामयाबी का रिश्ता, सक्सेस एट एनी कॉस्ट। फिर तो आपके साथ नाइंसाफी हुई है सरकार। वो कैसे? सारे अधिकार तो ब्रह्मदत्त साहब और प्रेमचंद साहब के हाथ में रहेंगे, आपको तो सिर्फ एक रबर स्टैंप के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। क्या कह रहे हैं आप? सरकार, बात कड़वी सही लेकिन शोले आने सच है। जीएम अगर रबर स्टैंप बन सकता है तो रबर स्टैंप जीएम कैसे बन सकता है? डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। ओ, आई कैन सी योर पॉइंट। सरकार, आप मेरी पॉकेट गर्म करते रहिए, मेरे दिमाग की मशीन तेज चलती रहेगी। तो इसका मतलब है आपको शतरंज खेलनी? बहुत अच्छी तरह सरकार। तो आप मोहरे चलना कब से शुरू करेंगे? जब आप कहेंगे सरकार। Why not right now?
अगर आपका यही हुक्म है तो फिर देखिए मेरी पहली चाल। गजब हो गया सरकार, गजब हो गया। छगन के पास तो पिस्तौल निकली, बड़ा मुंह छोटी बात सरकार, उसने अपनी लंबी सी नली मेरी छोटी सी कनपट्टी में रख दी, और जब मैंने हैंड जंप किया तो उसे डबक डबक 8-10 पेट में और 2-4 मुंह पे रख दिए, और वो भाग गया सरकार। एस्केप सर, आप पुलिस को टेलीफोन करो जल्दी। क्या बकते हो, क्या तुम गाड़ी में अकेले थे? बंद करो ये नाटक बरामदा, बहुत हो गया। हाँ नाटक, टेलीफोन पर छगन ने तुम दोनों की मिली भगत का कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया है। क्या छगन का टेलीफोन था? छगन का टेलीफोन था, उसने मुझे सब कुछ बता दिया है। छगन को अभी तुम्हारी आंखों के सामने मैंने पुलिस स्टेशन भेजा है। छगन तो पुलिस स्टेशन गया ही नहीं था, वो तो बीच रास्ते में फरार हो गया था, क्योंकि उसे फरार होने की कीमत दी गई थी, उसे फरार होने का मौका दिया गया। झूठ है। अच्छा, बकवास है, बतान है सर। सर इंद्रजीत तुम चुप क्यों खड़े हो, बोलते क्यों नहीं? क्या तुम्हारी और मेरी साजिश है इस शख्स के खिलाफ? उससे क्या पूछते हो ब्रह्मदत्त, मुझसे पूछो। दौलत के हवस के लिए तुम दोनों के नाटक का आखिरी सीन नहीं है। तुम्हें तो बहुत खुश होना चाहिए ब्रह्मदत्त कि तुम अपनी चाल में कामयाब हो गए। अगर एक और लफ्ज भी मैंने तुम्हारे मुंह से सुना तो भगवान की कसम मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा। गला तो तुम कब का दबा चुके हो ब्रह्मदत्त, दोस्ती का गला, और उसी दोस्ती के साथ आज से तुम्हारी और मेरी पार्टनरशिप भी खत्म, खत्म। आज के बाद मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहता हूँ ब्रह्मदत्त। प्रेमचंद प्लीज, गुस्सा थूक दे यार, गुस्सा थूक दे। भूल गए हम दोनों बचपन के दोस्त हैं? मुझे अपनी सुजाता की कसम है, मैं उसकी कसम खा के कहता हूं मैं निर्दोष हूं। ये किसी कमीने की गहरी साजिश है जो एक दिन खुल के रहेगी, लेकिन इतनी सी बात के लिए यार जिंदगी भर की दोस्ती का बंधन मत तोड़ प्लीज। प्रेम प्लीज, प्लीज प्रेम। वो बंधन टूट गया ब्रह्मदत्त। अंकल, तीनों दोस्तों का परिवार इस तरह टूटकर क्यों बिखर गया? किसका कसूर है ये? कसूर कसूर किस्मत का है बेटी, नजर लग गई जमाने की। जिंदगी कितनी कम है मोहब्बत के लिए, फिर नफरत के लिए वक्त कहां से मिल जाता है? ये बात लोगों की समझ में क्यों नहीं आती, क्यों नहीं आती? मगर मैं तो अंकल आपसे भीख मांगने आई थी। भीख? तू मेरी बेटी की तरह है, सलीमा से शादी हो गई होती तो तुम्हारे बराबर की बेटी होती मेरी। और सुन, बाप बेटी को भीख नहीं देते, तोहफे में अपनी जान देते हैं। बता बता क्या चाहिए तुझे? आप तीनों की मुस्कुराहटें, आप तीनों की खुशियां और आप तीनों की दोस्ती, बस यही भीख मांगने आई हूँ आपसे। बेकार, कितनी कोशिशें की मगर दोनों बजिद, कमबख्तों को एक जगह इकट्ठा करना भी नामुमकिन है। नहीं अंकल, मुमकिन है। वो कैसे? कभी कभी झूठ की धार सच की तलवार से भी ज्यादा तेज हो सकती है। झूठ? कौन सा झूठ? बुरा न मानिएगा अंकल, भगवान ना करे अगर आपको कुछ हो जाए तो क्या फिर भी वो दोनों दोस्त अपने तीसरे दोस्त के लिए इकट्ठा नहीं होंगे? शायद होंगे, मगर उससे क्या होगा? अंकल कहते हैं अगर दुश्मनों को भी गुफा में बंद कर दिया जाए तो दोनों दोस्त बनकर निकलते हैं, फिर वो दोनों तो दोस्त हैं। अगर दोनों को एक कमरे में बंद कर दिया जाए तो कब तक दुश्मनी निभाएंगे? सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे और दोनों दोस्त फिर गले लग जाएंगे। शाबाश, तुमने तो अंधेरे में रोशनी दिखा दी। या खुदा, मेरे साथ कोई ऐसा हादसा पेश आ जाए कि मेरे दोनों दोस्त एक साथ मेरे सामने मौजूद हो, चाहे वो मेरी लाश परी क्यों ना हो, चाहे वो मेरी लाश परी क्यों ना हो। हेलो, क्या बक रहे हो तुम? मुश्ताक अली को गोली लग गई? जी हाँ, एक कैदी फरार हो रहा था, जेलर साहब ने उसका पीछा किया, उसमें फायरिंग हुई। कैदी तो खैर पकड़ा गया, जेलर साहब भाग गए। क्या मतलब? मेरा मतलब जेलर साहब घायल हो गए, उनकी जान खतरे में। अबे गधे, कह कि मेरी चंद सांसें बाकी हैं। जी हाँ, मेरी चंद सांसें बाकी हैं। मेरा मतलब जेलर साहब की चंद सांसें बाकी हैं। मगर ये हादसा हुआ कहाँ और मुश्ताक अली कहाँ है? सर ये हादसा हुआ कहाँ है? आपका मरने वाला बॉडी किधर है? अरे बोल, स्टील फैक्ट्री के पास मेरी बॉडी रखी हुई है, बोल। जी हाँ सर, ये हादसा स्टील फैक्ट्री के पास हुआ है। जेलर साहब के जख्मी शरीर को उठाकर फैक्ट्री के ऑफिस में रखा गया है। मैं अभी आता हूँ। प्लीज मुश्ताक खान।
सर, अंदर हॉल में। अंदर? जी। हैरान होने की जरूरत नहीं है, मैं भी यहां मौजूद हूं। अरे, मैंने सुना कि फैक्ट्री के बाहर कोई हादसा हुआ और तुम बुरी तरह घायल हो गए। घायल वायल नहीं हुआ सर, फिरे दोस्तों ने छुरियां चलाई हैं दिल पर। सर फिरे दोस्तों ने, मरा नहीं हूं देख रहे हो, लेकिन बचने की उम्मीद भी बिल्कुल कम है। अरे वो सलीमा तो चलेगी दामन झटक कर, लेकिन अगर तुम लोग भी चले गए तो मेरे नासों को कौन पहुंचेगा कंबख्तो? जवाब दो। रंजिश तुम दोनों की और सली जान मेरी निकली चली जा रही है, रातों की नींद हराम हो गई है। एक नवाला भी मुंह में गया हो तो नाउज़ बिल्ला समझो, समझो सुअर का गोश्त खाया हो। अकेला हो गया हो, एकदम अकेला। और एक बात और ध्यान में रखो, अगर मुझे कुछ हो गया तो रब्बुल जब्बार की कसम, हजार साल तक जहन्नम की आग में जलोगे तुम दोनों के दोनों। तुम साले प्रेमचंद, तुम अपने नाम की तो शर्म रखो। हा? तुम्हारा नाम तो प्रेमचंद नहीं, घृणा प्रसाद या नफरत सिंह होना चाहिए था। अभी भी सारा माश के आटे की तरह अकड़ कर बैठा हुआ है। अरे देखो तो, और तुम श्रीमान ब्रह्मदत्त जी, तुम्हारी दौलत की लालच ने तुम्हारे जिगरी दोस्त का दिल तोड़ा है। उसे जोड़ना तुम्हारा फर्ज है, तुम्हारा कर्तव्य है। और उसी दोस्ती के चक्कर में अल्लाह मुझे माफ करे, मैंने तुम दोनों को झूठ बोलकर यहां बुलाया है ताकि तुम दोनों का आपस में मनमिटाव हो जाए, मेल हो जाए। अब ये दरवाजा देख रहे हो ना, मैं इस दरवाजे से बाहर जा रहा हूं। ये दरवाजा बंद हो जाएगा, फिर नहीं खुलेगा, 100 साल तक नहीं खुलेगा, जब तक तुम दोनों दोबारा अपनी दोस्ती का ऐलान ना कर दो। अच्छा पंडित जी, मैं जा रहा हूं, खुदा हाफिज। ऐ खुदा बंदे करीम, तेरी रहमत और कर्म की कोई इंतिया नहीं। अपनी शाने करीमी से मेरे दोस्तों के दिलों की रंजिश को दूर कर, इनकी टूटी हुई दोस्ती को फिर से जोड़ दे मेरे अल्लाह। प्रेमजन, तुम और मुश्ताक दोनों ही समझते हो कि दौलत के लालच ने मुझे दोस्ती में गद्दारी करने पर मजबूर किया। तुम लोगों का यह ख्याल एक नश्तर की तरह मेरे सीने में पैवस्त है, और यह फांस जो मेरे अंदर है, मैं इस फांस को निकाल देना चाहता हूं। इसके लिए यह मेरी एक छोटी सी भेंट है। ये क्या है? प्रेमचंद, मेरी बेटी तो ब्याही गई है, लेकिन तुम्हारी बेटी मोहनी, उसको भी मैंने अपनी ही औलाद की तरह समझा। खोल के देखोगे तो इन कागजों पर तुम्हें मेरे दस्तखत नजर आएंगे। वो दस्तखत मैंने इसलिए किए हैं कि जो कुछ तुम समझते हो कि मैं तुमसे हासिल करना चाहता हूं, वो और उससे कहीं ज्यादा लिख लो इन कागजों में। मैंने हमेशा इस बात पर यकीन रखा है प्रेम, कि इंसान की असली दौलत उसका सरमाया, उसकी मीरास उसके दोस्त होते हैं, या वो चार कांधे होते हैं जिन पर कि वो अपना आखिरी सफर तय करता है। तुमसे मेरी एक ही मांग है कि जब मेरा वक्त आए और मैं यहां से जाऊं, तो दोस्ती के उस कांधे से तुम मुझे महरूम नहीं रखोगे। बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। रामदत्त, मैंने तुम पे शक किया दोस्त, मुझे माफ कर दो। सच कहा तुमने, एक इंसान के पास उसकी असली दौलत एक दोस्त की दोस्ती और प्यार के सिवाय कुछ नहीं। आओ दोस्त, गले मिलकर उस दोस्ती का ऐलान कर दें जिसका बाहर मुश्ताक बेसब्री से इंतजार कर रहा है। ये गोली किसने चलाई है?
प्रेमचंद, ये तूने क्या किया? गोली का निशान, गोली की तरफ हाथ क्या दिखाता है? मैंने तुमसे दोस्त की दोस्ती मांगी थी, उसकी मौत नहीं मांगी थी तुमसे ब्रह्मदत्त। ये तूने क्या किया ब्रह्मदत्त, ये तूने क्या किया? हाँ, ये रिवॉल्वर किसका? ये पिस्तौल। ये रिवॉल्वर तो मेरा है, लेकिन यहाँ कैसे आया ये? मैं बताता हूँ ब्रह्मदत्त, तुम लाए हो इसे अपने दोस्त के खून का इरादा लेकर, ताकि अपने दोस्त की दौलत हासिल कर सको। तुमने अपने दोस्त पर गोली चलाई है, तुमने मेरे दोस्त पर गोली चलाई है ब्रह्मदत्त। क्यों चलाऊंगा मैं गोली अपने ही दोस्त पर? ये मेरा भी तो दोस्त है। तुम्हारे दिल में मेरे खिलाफ पहले से ही शक और शुबे का फुतूर था। हम दोनों बढ़ रहे थे आगे एक दूसरे से गले मिलने के लिए। क्यों चलाऊंगा मैं गोली इस पर? गलत है इसका इल्जाम, झूठ बोलता है। हर मुजरिम यही बोलता है ब्रह्मदत्त, लेकिन कानून आखिरी फैसला खुद करता है, और मैं ले जाऊंगा तुझे कानून के पास, ताकि तुम्हें तुम्हारे जुर्म की सजा मिल सके। ये अदालत मुजरिम ब्रह्मदत्त को मकतूल प्रेमचंद के खून के इल्जाम में जेर दफा 302 ताजीरात हिंद के तहत 12 साल कैद बमशक्कत की सजा देती है। याद रखना, तुम यहां एक कैदी हो और मैं जेलर। आज से सिर्फ यही एक रिश्ता होगा तुम्हारे हमारे दरमियान, कोई रियायत कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। बंद कर दो दरवाजा। यस सर। क्यों दुखी होंदे हो शाहजी? जेल की जिंदगी कभी कभी सेहत के लिए बड़ी अच्छी होंदी है। अजी मैं तो कहता हूं सबको एक बार जेल आना चाहिए। हाँ, बड़े बड़े नेता अभिनेता एक न एक बार तो यहाँ आते ही है। दो चार खून, 10-5 डकैतियां, कौन सी बड़ी बात है, सब चलता है। और फिर आपको तो फिक्र करने की जरूरत ही नहीं शाहजी, मुंगेरी लाल आपकी सेवा में हाजिर है 8 पहर। यहाँ के सब जेलवासी साढ़े मां में चाचे लगते हैं, और उनकी सेवा करना मेरा धर्म है। झूठे दा मुंह काला, ए देखो जी कोई देख तो नहीं रहा साला, ए खुला दरवाजे दा पट। बीड़ी, चारमीनार, पनामा, टूथपेस्ट, टूथब्रश, लाइफ बॉय, सिंथॉल, देशी ठर्रा, रम, सब कुछ मिलता है चलती फिरती दुकान में। ताश दे पत्ते 555। ओ शाहजी, मैं ही बकवा किए जा रहा हूं, तुसी भी कुछ बोलो। गूंगे हो? ओ भाई कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं तो मैं दुकान बंद करूंगा, चलूं दूसरे ग्राहक के पास। कागज मिलेगा? कागज और एक कलम। शाहजी, न ये पाठशाला है न सरकारी दफ्तर, फिर भी तुसी कहते हो तो कलम और कागज लेके आता हूं। नहीं तो ये मुच्छी है ना मुच्छी, इसको उस तरह से मुंडवा दूंगा। और दुकान दी बदनामी का सवाल है ना सर। लाया लाया। पहली बार किसी ने कागज मांगा। ये देखिए माजी, कोर्ट का ऑर्डर, अपनी स्टील फैक्ट्री, उससे कनेक्टेड सारी प्रॉपर्टी, ये मकान वगैरह, हर चीज के लिए नीलामी का नोटिस आ गया। तो ये मकान भी? जी हाँ, अफसोस तो इसी बात का है माँ जी, ये मकान भी फैक्ट्री की जायदाद है, और ये भी नीलाम हो जाएगा। मगर इस बात का जिक्र उन्होंने या प्रेम भैया ने तो कभी नहीं किया था। वो इज्जतदार लोग थे ना माँ जी, और इज्जतदार लोग अपने फटे पुराने कपड़े पलंग के नीचे छुपा कर रखते हैं। और हाँ माँ जी, मेरी और सोनू की यही इच्छा है कि आप हमारे साथ रहें। किस्मत मुझसे सब कुछ छीन सकती है, मगर मेरे संस्कार नहीं छीन सकती। बेटी के घर का पानी पीकर मैं अपनी आत्मा को कर्ज के बोझ तले नहीं दबाऊंगी। ओ माँ जी, ये सब पुरानी बातें हैं, इसमें सिर्फ दुख ही दुख है। तो तुम नए जमाने के लोगों ने कौन सा सुख दिया है? मगर आप अकेली जाएंगी कहां? मैं अकेली कहां हूं? जब तक उनके प्यार का सहारा मेरे साथ है, मुझे किसी और सहारे की जरूरत नहीं। तुम जाओ बेटे, मैं अपना इंतजाम खुद कर लूंगी। लेकिन लेकिन माँ जी, मैंने कहा ना जाओ। अकेले आए, मम्मी को साथ नहीं लाए? बोलो नरेंद्र। तुम्हारी मम्मी भारत की एक बड़ी आदर्श नारी है, बेटी का कन्यादान करने के बाद उसके घर का पानी पीना भी उन्हें मंजूर नहीं। मगर इंदर, इन हालात में वो जाएंगे कहाँ? सबकी तकदीर अपने अपने साथ होती है,
आज तक तो तुम तदबीर में यकीन करते रहे, आज अचानक तकदीर में कैसे यकीन करने लगे? या फिर अपने झूठे असूलों को अपनी जरूरत के मुताबिक मोड़ लेते हो? क्या बकवास करती हो? बकवास मैं नहीं, बकवास तुम कर रहे हो। मैं तुम्हारी चालों को अच्छी तरह समझ रही हूँ इंदर। कौन सी चाले? मोहिनी के सरपरस्त बनकर उसके हिस्से पर कब्जा कर लिया है और मेरे डैडी को जेल भिजवाकर उनकी फैक्ट्री पर भी कब्जा किया और अब मेरी माँ को दर बदर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया। शट अप यू वुमन, ऐसी बातें करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? मर्द अगर हर तरह के गुनाह करने की हिम्मत कर सकता है तो औरत भी उन गुनाहों से पर्दा हटाने की हिम्मत कर सकती है। गुनाह? हाँ, मुझे यकीन हो गया है जिस जुर्म की सजा मेरे डैडी जेल में काट रहे हैं उस जुर्म के गुनहगार तुम हो। Shut up, वरना। वरना क्या क्या कर लोगे? मेरा खून करवा दोगे उसी तरह जिस तरह प्रेम अंकल का खून करवा दिया? याद रख, इस दफा तो सिर्फ दरवाजा बंद कर रहा हूं, फिर हिम्मत की तो तेरी जबान भी बंद कर दूंगा, समझ रही? डैडी, काश मैंने आपकी बात मान ली होती। डैडी, मैं आपकी कसूरवार हूं, मेरी वजह से एक हरा भरा घर बर्बाद हो गया। मुझे माफ कर दीजिए डैडी, मुझे माफ कर दीजिए। आपने ब्रह्मधर साहब जी के दस्तखत किए हुए कोरे कागज का कितना परफेक्ट इस्तेमाल किया, बड़ा मुंह छोड़ी बात, एक ही झटके के अंदर सब कुछ अंदर कर गए सरकार। हाँ, वही कागज काम आया, इसीलिए तो कहता हूं कि आज की दुनिया को जीतने के लिए इंसान के सिर्फ दो हाथ काफी नहीं, बल्कि मकड़े की तरह बहुत से हाथ होने चाहिए, तभी वो कामयाबी हासिल कर सकता है। यू आर राइट, इसीलिए मेरी कंपनी का मोनोग्राम है मकड़ा, यानी स्पाइडर एंड कंपनी। वो देखिए सरकार, आपकी कंपनी का मोनोग्राम स्पाइडर एंड कंपनी, यानी के मकड़ा कंपनी। आपको पत्थर से ठोकर लग गई? नहीं बेटे, ठोकर पत्थर की नहीं, किस्मत की लगी है। उठिए, हाँ। मेरे साथ चलिए, आइए। बैठिए, ये लीजिए। बेटी, और कौन कौन रहता है तुम्हारे साथ? मैं अकेली ही रहती हूँ जी। अकेली? हाँ माँ जी, मैं सुहागन होकर भी विधवा हूँ और बेटे वाली होकर भी पांच हूँ। ये क्या कह रही हो बेटी? हाँ माँ जी, एक तरिंद ने प्यार का नाटक करके मुझसे शादी की, मुझे माँ बनाया, लेकिन मेरे माँ के सिंदूर को उसने एक दौलतमंद लड़की के हाथों बेच डाला और उसे अपनी पत्नी बना लिया। उसी दरिंदे का गंदा खून एक खतरनाक मुजरिम बन गया। मैं दोनों से नफरत करती हूं। बेटी, मेरी भी कहानी तुमसे अलग नहीं। मुझे मेरे परिवार को बर्बाद करने वाला कोई गैर नहीं, अपना ही था। माँ जी, वक्त के भंवर में फंसे हुए इंसान एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं। एक टूटी हुई दीवार किसी को क्या सहारा देगी? दुखों की धूप अगर तेज हो तो एक टूटी हुई दीवार का सहारा भी काफी होता है। मगर तेरा बेटा है कहाँ? और कहाँ, अपराध की अंधी गलियों में कहीं भटक रहा होगा। चल चल चल, सबको दया मारा, किसी पे कर लो मत, चल।
रहे तेरा संजीव पुख्ता खराब हो गया फट। अगर किसी ने इनकार किया तो उसको ऊपर से छह इंच छोटा कर डालूंगा। चल 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 चल। अरे माला 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 चल तेना क्या नाटक कर रही लिए चल 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 एक दिन चलो हाथ लगा ले लो चल माला ऊपर से छह इंच छोटा कर डालूंगा। चले मार का मन चल चलिए क्या क्या है इसमें कुछ नहीं भाई क्या इसमें कुछ नहीं क्या इसमें नौकरी के लिए शहर जा रहा हूं। मां ने रास्ते के लिए दो रोटियां दी थी कहा था भूख लगे तो खा लेना। बहुत खुशकिस्मत है यार एक तो रोटियां ऊपर से मां के हाथों की बनाई हुई। बोल क्या कीमत लगा इन रोटियों की। रोटियां बेची नहीं जाती बांटी जाती हैं। एक तुम रख लो एक मैं रख लेता हूं भूख लगे तो खा लेना। मूड खराब हो गया मूड खराब हो गया ए सबका माल लौटा दे रे। ओके ओके दिल खट्टा हो गया चलो छोड़ दे दे छोड़ दिल खट्टा हो गया ए चले चल वापस चले ए वो बच्चे को छोड़ चल चल। तो दोस्तों आज ये चाय हम लोग शराब की तरह पियेंगे। ये चाय नहीं वेट 69 है। एक शेर बको 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 दवा के नाम पे कुछ भी पिला दिया होता अगर शराब कम थी तो सोडा मिला दिया होता। अच्छा अर्च केला अर्च केला अर्च केला अर्च केला बोल रहा हूँ। रात भर शराब पी पी रात भर शराब पी रात कट गई। वाह 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 वाह। और सुबह को जब हिसाब किया तो ओ, 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 यस मैडम उसने बहुत पी रखी है क्या। नहीं जी चाय पिया आपके लिए भी चाय लाऊं। नहीं आपके होटल की चाय में अगर इतना नशा है तो चाय नहीं आइसक्रीम लाओ। अबे ओ चवन्नी के चू हरामजादे तूने अपुन के उस्ताद कुबा के खिलाफ कोर्ट में गवाही दी थी ना अब अपुन तुझे ऊपर वाले की कोर्ट में भेज देते हैं चल। मुझे जाने दो नहीं तो मैं इसे मार डालूंगा। तू क्या समझता है रे लड़की की वजह से तुझे छोड़ देंगे तू भी जाएगा लड़की भी जाएगा। अबे क्या रे ये भोली वाली लड़की को काय को डाल बना रहे हो। उड़ा पा हट जा बीच में से वरना तुझे भी उड़ा देंगे। उड़ा देंगे मैं कोई कौवा हूँ कोई कबूतर हूँ कोई चील हूँ या कोई हवाई जहाज जो मुझको उड़ा दोगे। अबे उड़ा तो हम देंगे ऊपर से छह इंच समझे कि नहीं समझे नहीं सबको ऊपर से छह इंच उड़ा दूंगा। सॉरी जवानी के चो सॉरी क्या और तेरी जान Ah!
बुब्बा का गैंग वाला है, याद रखना वो तेरे को छोड़ेगा नहीं। अबे हट। ये लड़की बाहर निकल, चला अभी तेरे को कोई डेंजर नहीं, चल। कम आउट मोहिनी, एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। हां ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, कम आउट, कम आउट। अरे क्या यार, ये तेरी सहेली है कि चूहिया है? चूहे के मापे के अंदर घुस के बैठे लिए। ए चू 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 चू। अरे ओए अम्मा बाहर निकल, यही सोने का इरादा है क्या? ले ये तो हंस रहे लिए पिंडुक में, पिंडुक में। क्या? अरे पिए लिए क्या? पिए ली? क्या बकवास कर रहे हैं आप, इसने तो घबराहट में पानी पिया था। पानी? अरे जिनको पानी समझ के पी गए लिए। ओ गॉड, इसने तो गलती से दारू पी ली। इसलिए तो टेबल के नीचे बैठकर दाम नहीं बोल रही है। अच्छा तुमको एक बात बोलूं, तुम कहो तो मैं इसको खींच के बाहर निकाल दूं। प्लीज हेल्प हर। हाँ व्हाई नॉट, हेल्प हर, हेल्प हर। बाहर निकालने में तो मैं उस्ताद आदमी हूँ। आजा आजा, ये तो काटती है यार। हाँ ये हमारे ये सबका सवाल है। After all, यार ह्यूमन बीइंग, after all इसको बाहर, ठीक है यार, चल खींच जोर लगा के। और मेरा हाथ हटना, भैया जोर लगा के, भैया पीछे ना हटना, भैया जोर लगा के, भैया। कितना गड़ा गिरे तू, चल चुम्मी दे दे। मोहिनी, मोहिनी प्लीज हेल्प हर। अरे अरे क्या कर रहे तू? ए पवनदास मेरे पास नहीं आना, मैं चुम्मी नहीं दूंगी, नहीं दूंगी मैं चुम्मी। ए आगे नहीं बढ़ना, नहीं तो मारूं। ये ले ये ले अंगूर, ये अंगूर, ये अंगूर नहीं मगर ये सारा पोपली अंगूर है। हाय ये कहाँ गायब हो गए? पता नहीं कहाँ गायब हो गए। अरे मैं यहाँ हूँ। ओए सेंटी फुकचा खराब हो गया क्या? अरे गिर पड़ जाएंगे, हड्डी पसली टूट जाएंगी, फिगर खराब हो जाएगा, जवानी बर्बाद हो जाएंगी। नीचे आ चल। संजना मोहिनी तू मुझसे प्यार करती है ना? नहीं नहीं मैं तो इससे प्यार करती हूँ। ये पहली छोकरी है जो पसंद भी आई और पटी पटाई मिल गई है क्या? क्या? हाँ हेल्प कर रहे, लाओ यार हेल्प, मंगती कि नहीं? चल अभी तू इसको बातों में लगा, मैं पीछे से जाके पकड़ता हूँ। क्या पोपली, तू इसको पटा दे। मोहिनी तू अच्छी लड़की है ना? नहीं मैं गंजी लड़की हूँ। चल 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 चल, तू बहुत अच्छी लड़की है, शानी पापा है, चल चल मुझे। चल 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 चल, जीन चढ़ के लाइको। ए समझा इसको, मैं चुम्मी नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। चल समझा रे, वो तो समझ गया। अरे रास्कल तूने मुझे इतनी जोर से पटका, चुप, मैं भी तुझे पटकूंगी। ये मेरा एरिया, तेरा अखाड़ा नहीं है। नहीं छोड़ूंगी समझे। अरे मैं जीरे का चला हूँ यार। तू विक्रम मारने बेताल। बोल मेरे से प्यार करेगा? काहे का, तेरा मुंह तो बांस मारता है यार। अच्छा करेगा 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 करेगा। मैं से शादी करेगा? तू एक नंबर की दारुड़िया बेवड़ी छोकरी, तेरे से करूंगा करूंगा करूंगा। कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल। बस बच्चे पैदा करेगा? हाँ हाँ डेली दो चार दर्जन बच्चा पैदा करूंगा। चल मेरे साथ नाचेगा? हाँ हाँ नाचूंगा नाचूंगा। गुड बॉय, वेरी गुड वेरी गुड। उतर जा उतर जा। मेरे साथ गाएगा? गाऊंगा गाएगा। हाँ गाऊंगा। अरे गाऊंगा यार, चिल्ला था क्या? अरे दूसरा कोई होता ना तो उसको फेर डालता मैं। क्या हुआ? गाऊंगा 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 गाऊंगा। ये लो। ये क्या है? तुमने जो कंप्यूटर कोर्स के लिए अप्लाई किया था उसका एडमिशन फॉर्म। अब इसकी कोई जरूरत नहीं। क्या तुमने अपना इरादा फिर बदल दिया? नहीं दीदी, मैं सोचती हूँ कि फैक्ट्री में काम करूं।
चीजा जी का हाथ बटाऊं। गुड आइडिया, मैं भी तुम्हें यही सलाह देना चाहती थी। आफ्टर ऑल प्रेम अंकल तुम्हारे लिए इतना बड़ा शहर छोड़कर गए हैं, तुम उनकी इकलौती बेटी हो, उसे संभालने की जिम्मेदारी तुम पर है। आप ठीक कहती हैं दीदी। अरे हाँ, मैं तो आपको बताना ही भूल गई। आज एक बड़ा अजीब वाकया हुआ। मैं और जय रेस्टोरेंट में आइसक्रीम खाने गए थे ना, वहाँ कुछ गुंडों में डिशुम डिशुम हो गया। तुम्हें तो कोई चोट नहीं लगी ना? नहीं, लेकिन लग सकती थी। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, घबराहट में मैंने पानी के बदले जिन पी ली। क्या? और नशे में अपने होश खो बैठी। वो तो एक लड़का था जिसने मुझे बचाया भी और संभाला भी। ओहो, बचाया भी और संभाला भी। लगता है कुछ नशा अब भी बाकी है। पहली बार का नशा होता ही ऐसा है। तो इसका मतलब है कि मैं तुम्हारी जिंदगी का पहला प्यार हूँ? वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन इस तरह किसी से मिलने मैं पहली बार आई हूँ। उस दिन जो तुमने मुझे बचाया फिर संभाला, उस एहसान का कर्ज अब तक बाकी है। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आई हूँ। इतनी दूर चल के आप मेरा शुक्रिया अदा करने के लिए आई हैं? मैं तो समझा था कि मेरा प्यार तुम्हें यहाँ खींच लाया है। ठीक है, मैं चलता हूँ। अरे रुको रुको। रुकता हूँ, मगर तुम कहो कि मेरा प्यार तुम्हें यहाँ खींच लाया। ठीक है, ऐसा ही समझ लो। लेकिन तुम भी तो बताओ, क्या तुम्हारी जिंदगी का भी ये पहला प्यार है? बिल्कुल, मैं तो कोरा कुवारा हूँ, कपड़े का वो लट्ठा हूँ जिस पर कंपनी का ठप्पा नहीं लगा। तुम्हारा भी पहली बार, मेरा भी पहली बार, तो फिर पता कैसे चलेगा कि प्यार होता क्या है? वो उस दिन जो नशे में तुमने कुछ किया था ना, वो मगर वो तो नशा था। तो प्यार भी तो नशा ही होता है। तो फिर इस नशे का एहसास कैसे होगा? एहसास मैं बताता हूँ। देखो क्या होता है, बाल जो है ना वो बिखर जाते हैं। आंखें लटक जाती है, ऐसी हालत खराब हो जाती है। और कपड़े जो है वो तार तार हो जाते हैं। यहाँ जो है यहाँ और चिल्लाता रहता आदमी, पागल हो जाता है। बलात्कार नहीं किया इसने मेरा बलात्कार किया है। क्या बकते हो, लड़की लड़के का बलात्कार कभी नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? ये देखिए मेरे फटे हुए कपड़े, ये देखिए नाखूनों के निशान। इंस्पेक्टर साहब, अगर लड़का लड़की का बलात्कार कर सकता है तो लड़की भी लड़के का बलात्कार कर सकती है। अगर खरबूजा छुरी पे गिर सकता है तो छुरी भी खरबूजा में गिर सकती है। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि इस जहरीली नागिन ने मुझे डस लिया। इंस्पेक्टर साहब, इसने मुझे किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रखा। मैं देख बच्चे से मेरे लिए बच्चा आंसू न बहा, फरियाद न कर। ए लड़के, क्यों चलो थाने, चलो थाने, मेरा यकीन कीजिए, मैं एक इज्जतदार घर की लड़की हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। तो लड़की, तुम आंसुओं की नदियाँ बहाओ, नाले बहाओ या समुंदर बहाओ, मैं पापे वाला नहीं हूँ, पापे खाने वाला नहीं हूँ। आखिर लड़के की सिर की लकड़ों को रोला दिया ना, अब मैं तुझे गिरफ्तार करूंगा। चुप है, चुप साला। इंस्पेक्टर की वर्दी बन के आपने आपको सचमुच में इंस्पेक्टर समझने लगा क्या? बना बनाया खेल बिगाड़ दिया यार। खेल? ये सब खेल था? हाँ भाभी जी, ये सब खेल था, मतलब होने वाले भाभी जी, सब खेल था, ये सब चरारत थी इसकी। ठीक है, मैं भी देख लूंगी। वही तो मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे देखो, करीब से देखो, पास से देखो। नियम बाबूजी बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए, मार डालेगा टोनी। छोड़ भाई उसे, ये तुम्हारा क्या सगे वाला लगता है? सगे वाला नहीं, इंसान तो है। क्यों खामखा बेचारे को मार रहे हो तुम? बोला ना, टोनी का लफड़ा में नहीं पड़ने का क्या? देखो मास्टर, तुम ये सब अपना कागज हाथ फेंक मेरे कागज मैं बोलता हूँ तुझे टोनी, हाथ फेंक मेरे कागज। क्यों क्यों? ये कागज मेरे लिए बड़े कीमती हैं गधे। जेलर साहब, टाइम पर आ गए बुड्ढे
को बचाने के लिए आ तोड़ के रख दूंगा, बदन से हाथ अलग कर दूंगा तेरा। राम झा ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर नहीं भूलेगा। तेरी हिम्मत, बोल बोल। तेरी मौत मेरे हाथों लिखी है जेलर। बोल, शूट कर दूं कुत्ते, खत्म कर दूं सुअर। बोल नहीं सर, प्लीज हट जाओ, प्रबंधक सामने से हट जाओ, मैं कहता हूं हट जाओ। माफ कर दीजिए जेलर साहब, ये मेरे चंद कागजात बिखर गए, मैं समेट लूंगा इनको, लेकिन इस बेचारे को मिर्गी का दौरा पड़ता है, बीमार है, इसे क्षमा कर दीजिए प्लीज। बेवकूफ जाना, पहले छोड़ माफी मांग। धोनी धोनी मेरे लाले से रखा ले जाओ, तुम लोग दौरा पड़ गया ऐसे लगता। रामदत्त बिजनेस रूम में सुजाता बहन, आई मीन मिसेस ब्रह्मदत्त तुम्हारा इंतजार कर रही हैं, तुम जाकर उनसे मिल सकते हो। थैंक यू सर। सुजाता फिर से कहिए। सुजाता जब तक कहो दोहराते रहो, कैसी हो तुम, पर सच कहना होगा। सच सच आजकल सुनता कौन है? आपका सच किसी ने सुना? लेकिन मैं आपसे सच ही कहूंगी, जब तक आप सामने होते हैं मेरे सुख की खुशी की इंतहा नहीं होती। बहुत अच्छी लगती हैं तुम्हारी ये सब बातें, कानों से उतर के यूं ऐसे दिल में घर कर लेती हैं, जाने कब हटेगी ये लोहे की जाली की सलाखें हमारे बीच में से। हटेगी बहुत जल्द, एक एक दिन गिनती रहती हूँ, सोचती भी रहती हूँ। कल रात मैंने सपने में देखा आपकी किताब छप गई, इतनी बड़ी छप गई। छपी नहीं लेकिन मुकम्मल हो गई। क्या? देखो ये मेरी बरसों की मेहनत का फल, जंगल का कानून, इंसाफ के अंधे देवताओं के नाम, कैदी नंबर 123 का पैगाम, मैंने तुमसे वादा किया था पूरा किया। ये लो। हे भगवान, अब यही मेरी गीता है, यही मेरी रामायण। अब मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी करके दिखाऊंगी, ये किताब छपेगी, घर घर गली गली इसका चर्चा होगा, इसलिए कि सती कैद खाने की सलाखों के पीछे से ही सती जिंदा है, सती अमर है, वो हमेशा जिंदा रहेगा। मोहिनी मुमो मो। बस वहीं रुक जाओ। क्या बात, मुझे यहाँ क्यों बुलाया धोखेबाज? कोई नई चाल सूझी है मिस्टर चालबाज? नहीं मोहिनी नहीं, आज तक मैंने जो कुछ भी किया मुझे उसके लिए किसी ने मजबूर किया था। किसी ने मजबूर किया? किसने? उसे तुम भी जानती हो। मैं जानती हूँ? हाँ। कौन है वो? मेरा ये दिल जिसकी हर धड़कन तुम्हारा नाम लेती है, यकीन ना आए तो सुन लो। कौन है? तो ये है तेरी सहेली जिससे मिली तो छिप छिप के रोज हार दिया है। बेशरम, पति को धोखा देने वाली, देख आज मैं तेरी क्या गुजारी करता हूँ। पति? तेरा सेंटी फोकचा खराब हो गया क्या? अबला नारी को तंग करता है? तंग नहीं, अब तो जंग होगी जंग। शादीशुदा औरत से इश्क करने का नतीजा जंग नहीं तो क्या है? शादीशुदा
अपनी माँ की बात कर रहा है क्या? अपनी माँ की नहीं, इस लफंगी की बात कर रहा हूँ। ये मेरी बीवी है, आठ पैर वाली बीवी। सब लोग सात पैर लेते, मैंने आठ पैर लिए, एक पैर एक नंबर है, समझा? क्या ये क्या बकरा है मोहिनी? मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे सच छुपाया। तो ये सच है? हाँ, मेरी जिंदगी के रेगिस्तान में तुम्हारा प्यार ठंडे पानी के झरने की तरह आया। ए डेढ़ फुट, और मैं उसमें बह गई। मैंने सोचा अगर तुम्हें सच्चाई मालूम पड़ेगी तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए खो बैठूंगी, इसीलिए मैं तुम्हें बता ना सकी। ये आदमी पति नहीं, राक्षस है, राक्षस। मुझे औरत नहीं धोबी घाट समझता है। ये देखो, रोज अंदर से मेरी धुलाई करता है। अरे तू अपने आप को जालिम सिंह समझता है क्या? हाँ, अगर तू जालिम सिंह है ना तो मैं भी दारा सिंह हूँ। अरे इसके चुंगल से मैं तुमको छुड़ाऊंगा मोहिनी, डोंट फिकर। पहले मैं तुमको इसे तलाक दिलाऊंगा, बाद में खुद शादी करूंगा। चला चल 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 चल, क्या है शर्म की बात? क्या शर्म? तेरे बाप का माल है। चल चल चल, दिखा के ला। अरे बचाओ, अरे हेल्प, मेरी बीवी को लेके भाग गया साला, समझा? जा कुत्ते रहो। अरे बचाओ, हेल्प, पुलिस। पुलिस मत पूछो, खामोश रहो, कुछ मत बोलो, मन होश रहो।
हो गया क्या ये? इसका मतलब ये कारस्तानी तुम्हारी थी? कारस्तानी नहीं, बदला कहो बदला। तुमने मुझे लल्लू बनाया, मैंने तुम्हें लल्लू बनाया। हिसाब खत्म, खाता बंद। खाता बंद नहीं, खाता तो खुला है और हिसाब खत्म नहीं हुआ, हिसाब तो अब शुरू हुआ है। समझ गए लल्लू की लल्ली? चिड़िया उड़ गई सरकार, फुर्से हाथों से निकल गई। क्या मतलब है? अगर वो आपके हाथों से निकल गई तो उसके नाम का हिस्सा भी आपके हाथों से निकल जाएगा, फिर आप कुत्ते बन जाएंगे। मेरा मतलब है धोबी के कुत्ते, ना घर के ना घाट के। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मगर आप उसे रोक भी कैसे सकते हैं सरकार? उसकी शादी रोक कर। शादी रोक कर? हाँ, मैं उससे शादी करूंगा। क्या बकवास कर रहे हैं आप? आपके गोद में पली हूँ मैं, आपकी बेटी समान हूँ, आप मुझसे शादी करने की बात कर रहे हैं? आपको शर्म नहीं आती? शर्म किस में कोई बात नहीं है, After all, I'm not an old man. I'm young, baby. तुम तो जानती हो मेरी बीवी सोनू हमेशा बीमार रहती है, जिस्मानी तौर पर दिमागी तौर पर मेरे लिए बिल्कुल बेकार है वो। नहीं, तुम बीमार हो, जिस्म से दिमाग से हर तरह से बीमार हो। आज दीदी की जो भी हालत है उसकी जिम्मेदार तुम हो, तुम्हारे जुल्मों की वजह से आज वो बीमार हो गई है। तुम जैसे नीच और जलील को तो गोली मार देनी चाहिए। मुझे गोली मारेगी? हाँ हाँ हाँ, इस नीच और रोची सवाल का जवाब गोली के सिवा और क्या हो सकता है? और कान खोल कर सुन लो, मुझे विजय से शादी करने से कोई नहीं रोक सकता, तुम भी नहीं। मैं तुझे शादी के काबिल छोड़ूंगा ही नहीं। ठहरो, घर छोड़कर कहाँ जा रही हो? घर छोड़कर मुझे नहीं तुझे जाना होगा, ये घर तेरा नहीं मेरे डैडी का दिया हुआ है, जाना तुझे पड़ेगा। डैडी ने तुझे फुटपाथ से उठाकर इस कोठी में बिठाया, मगर तू कीचड़ था और कीचड़ ही रहा। अब मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूँ तुझ जैसे खूनी और पापी के गुनाहों का पर्दाफाश करने के लिए। एक शेर अर्ज किया है, कर कर दिया इजहारे मोहब्बत हमने भी टेलीफोन पे। वाह, कर दिया इजहारे मोहब्बत हमने भी टेलीफोन पे, बात तो लाखों की थी थाने में हो गई। वाह वाह, मारो मारो पोपली, सेंटी फूकता खराब हो गया। विजय 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 विजय, तू रो क्यों रही है? अरे बोल तो सही, बात क्या है? सुरक्षक था, मैं भक्षक हो गया, अब मैं कहाँ जाऊँ? कहाँ जाऊँ? ए, देख मेरी खोपड़ी सनक रही है, मुझे साफ से बता बात क्या है। मेरा जीजा जो मेरे बाप समान है, आज वही मेरी जिंदगी मेरी इज्जत के साथ खेलना चाहता था। अगर मेरी दीदी ना होती तो आज मैं तुम्हें मुंह दिखाने के काबिल न रहती। मेरी बिजारी का हिस्सा जिसकी वारिस मैं हूँ, आज मुझसे जबरदस्ती शादी करके वो मेरा ही नहीं उस हिस्से का भी मालिक बनना चाहता है। चल मेरे साथ। नहीं, अब उसे क्या फायदा, वो घर तो मैं हमेशा के लिए छोड़ चुकी हूँ। अब मैं तुम्हारे साथ एक घर बनाऊंगी, एक नई जिंदगी की शुरुआत करूंगी मैं। हाँ विजय, चलो हम इसी वक्त शादी कर लेते हैं। मगर ऐसे बगैर समझे बगैर जाने? मैं कुछ जाना नहीं चाहती, कुछ समझना नहीं चाहती। अभी वक्त का तकाजा यही है कि हम दोनों ऐसे बंधन में बन जाए जो कभी नहीं टूटता। चल चल, अभी मंदिर चल के अपन दोनों शादी बना डालते। शादी का जोड़ा बाद में, पहले कफन का जोड़ा पहन ले।
तेरे लिए कफन लाया हूं। ये देख, बिल्कुल नया और कोरा कपड़ा, ताकि तेरी आखिरी ख्वाहिश अधूरी न रह जाए। और यह है मेरी फौज, जो तेरे क्रियाकर्म का पूरा सामान लेकर आई है। तुझ जैसे फटीचे टपोरी के लिए चंदन की लकड़ी और घी की जरूरत नहीं, इसलिए बबूल की लकड़ी और घासलेट लाया हूं। तुझे ऊपर पहुंचाने के लिए इतना सामान काफी है। एक रोटी दे दो साहब। चल रहा रास्ता पकड़। दो दिन से कुछ भी नहीं खाया साहब। बोले मेरे पेट में गोली मारकर मुझे जो घाव दिया था, आज उसका हिसाब चुकाने का वक्त आ गया। साला, तेरे को ऊपर से 6 इंच छोटा कर डालूंगा। मुझे टपोरी बना तूने? हाँ, अरे अरे, एक रोटी तो मांगा था मैंने तुझसे। बात कुब्बा की हुकूमत इस शहर से खत्म। अब तुम्हारे सामने दो ही रास्ते, या तो शहर छोड़ दो या दुनिया। नहीं, एक रास्ता और भी है। तुम लोग मेरी गैंग में शामिल हो सकते हो। बोलो, मंजूर है? डॉन विजय, डॉन विजय। अरे भाइयों,
सोनू जब तक जंगल के कानून के हर पन्ने की आवाज चारों तरफ नहीं फैलेगी हम चैन से नहीं बैठेंगे। हम आपकी रिहाई के लिए आखिरी दम तक लड़ेंगे। जी हाँ कोशिश करेंगे। जी हाँ यह हमारा वादा है। कौन हो तुम? आज तक तो औलादें अपने माँ बाप को भूलती आई हैं। शायद शायद तू पहली माँ है जो अपने बेटे को बचाने से इनकार कर रही है। मेरा बेटा मर चुका है। काश मैं पैदा होते ही मर गया होता तो भूख और गरीबी से लड़ते लड़ते आज डॉन ना बन गया होता। खैर छोड़ो माँ, आज बद्दुआओं का नहीं आशीर्वाद का दिन है। बहुत बड़ी खुशखबरी है माँ, मैं डॉन बन गया हूँ, इस शहर का सबसे बड़ा डॉन। इससे बुरी खबर और क्या हो सकती है? काश मैं कुली या मजदूर की माँ होती तो मुझे अपने आप पर गर्व होता। मजदूर? दुनिया में सिर्फ 10% पैदाइशी मजदूर होते हैं माँ, बाकी तो बेचारे जो मजबूर होते हैं वही मजदूर होते हैं। मैं अब सिर्फ नाम का नहीं माँ, काम का बेटा बन गया हूं। आज बड़े बड़े लोग मेरे साथ बैठकर चाय पीते हैं। चल माँ चल माँ, माँ मैं तुझे लेने आया हूं, तेरे कदमों में दौलत का ढेर लगा दूंगा। दौलत? वही दौलत जिसने मेरा प्यार, मेरा पति मुझसे छीन लिया, मेरा बेटा मुझसे छीन लिया। खुद अपनाती नहीं और बोलती छीन लिया छीन लिया छीन लिया। अरे जब झोपड़े में था तब भी तुझे लेने आया था, आज बंगले में चला गया हूँ फिर भी तुझे लेने आऊं। ए मां चलना। मैं तेरी दौलत पर थूकती हूँ, नफरत करती हूँ तुझसे, चला जा यहाँ से। मां मैं तेरे पांव पड़ता हूँ, तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, तेरे सामने भीख मांगता हूँ। मां मां मेरे साथ चल। नहीं मैं तेरे साथ कभी नहीं जाऊंगी, तू चला जा यहाँ से। मैं एक इज्जतदार औरत हूँ, अगर लोगों को पता चल गया कि तू मेरा बेटा है तो मुझे नफरत के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। वाह वाह, तुझे लोगों की पड़ी है, इज्जत की पड़ी है, हाँ बेटे के लिए कुछ नहीं है। वाह माँ वाह, बचपन में बाप मांगा तो बोली जा तेरा बाप मर गया, रोटी मांगी तो साला पेट में गोली मिली, और आज मां बोल रही है कि बेटा भी मर गया। ठीक है ठीक है ठीक है, मरने वाले कहां मुड़कर वापस आते, मैं भी कभी वापस नहीं आऊंगा, मैं कभी वापस नहीं आऊंगा मां, मैंने तय कर लिया, जा। मगर मां मां मैं बरसों से भूखा हूं, बहुत तरसा हूं तेरे हाथों की बनाई हुई एक रोटी के लिए। हाँ जाने से पहले आखिरी बार अपने हाथों की बनाई हुई एक रोटी तो खिला दे माँ। रोटी की तो दूर, मैं तो तुझे वो अधिकार भी नहीं दूंगी जिस अधिकार से एक बेटा अपनी माँ की चिता को आग देता है। चला जा यहाँ से, चला जा, चला जा। कभी वापस नहीं आऊंगा, ठीक है कभी वापस नहीं आऊंगा, जा रहा हूं मैं। क्या अरे कमीने, कोई नाटक मंड लिया क्या? माँ बेटे के झगड़े का तमाशा देख रहे हो? सबकी मुंडी काट के ऊपर से चेन छोटा कर लूंगा, भागो चलो। अब भी वक्त है माँ सोच ले, मगर एक बात और सुन ले माँ, हर इंसान पहले किसी ना किसी का बेटा होता है, डॉन बाद में बनता है। क्या रहा हूं क्या रहा हूं, चलो चल। ले भाई डॉक्टर डैन सिगरेट, ये 3.5 रुपए की ब्लैक में भी नहीं मिलेगी। अरे मोकम्बो तेरी चटी। साले जरा धोया कर अच्छी तरह से। राका शाका डैंग मोगेम्बो सबकी जरूरतें तो पूरी कर दी, अब इस गब्बर की भी मांग पूरी कर दे रे मुंगेरी। गब्बर सिंह? ओ भाई तू कहीं शोले वाला गब्बर सिंह तो नहीं ना? अरे शोले वाला नहीं, छोले वाला गब्बर सिंह। हाँ, छोले वाला 007। ये नंबर छोले वाले को कैसे मिला? ये तो जेम्स बॉन्ड का नंबर है। इसका मतलब ये हुआ कि उस बेवकूफ जेलर ने बगैर मुझसे पूछे तुमको ये नंबर देने की हिम्मत की। वो एक नंबर का नालायक है, चोर है, निकम्मा, उलूदा पट्टा। चलो उस अकल के अंधे से तो बेवकूफी हुई,
मगर तुमने ये नंबर कैसे लिया? कैसे लिया? कैसे लिया? उससे तो मैं बाद में निपट लूंगा। तुम बताओ कब आए इधर? जब तुम डिलीवरी पर गए थे। डिलीवरी पर? मेरा मतलब बच्चा पैदा करने गए थे। मैं बच्चा पैदा करने गया? ओए क्यों क्यों बकवास करता है। अरे पहली अप्रैल को जब तुम्हारी बहन के बच्चा पैदा हुआ था तुम छुट्टी पर थे कि नहीं? मैं तब आया था। पहली अप्रैल को तुम्हारी बहन के बच्चा पैदा हुआ था कि नहीं? ये घर का भेद तुझे कैसे मालूम हुआ? अबे कहीं तू मेरे जीजा जी को धोखा तो नहीं दे रहा है? अरे नहीं नहीं, नहीं नहीं नहीं, मेरा किसी से कोई संबंध नहीं, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ। अच्छा अच्छा तो ठीक है, बोल क्या चाहिए तेरे को? एक रस्सी। रस्सी? नाले से काम चलेगा? चलेगा नहीं, दौड़ेगा। अच्छा अच्छा तो फिर ठीक है, अभी निकालता हूँ। ले ₹3.5। ₹3.5 कैश निकाल निकाल, जल्दी जल्दी जल्दी। ₹7 दूंगा, ₹14 दूंगा, मजाक कर रहा हूँ। अबे क्या कर रहा, क्या कर रहा? मैं बताता हूँ। अरे जेलर साहब, ये मेरा सामान है कैदियों का, मैं तो ऑफिस में जमा करवाने जा रहा था। आज तुझे रंगे हाथों पकड़ने के लिए मैंने बहरूपिये का रूप धरा था। नहीं, नहीं सर। और कर दो इसके कपड़े फैश। सरकार गजब हो गया, सरकार गजब हो गया। बंदर शाह को अदालत ने आजाद कर दिया। उससे क्या होगा? कमाल करते हैं सरकार, शेर पिंजरे से आजाद हो गया और आप कह रहे उससे क्या होगा? बड़ा मुछोटी बात सरकार, वो हम सबको कच्चा चबा जाएगा। अरे बच्चे, बूढ़े शेर के दांत इतने मजबूत नहीं होते। समझ में नहीं आया, आखिर तुम हो कौन? मेरी जान की जगह तुमने अपनी जान खतरे में क्यों डाली? आपने मुझे पहचाना नहीं? मैंने नहीं पहचाना, कौन हो तुम? मैं आपकी वही छोटी सी गुड़िया हूँ। याद आया? याद आ गया, याद आ गया, याद आ गया। तुम वही छोटी सी मोहनी हो ना? लेकिन अब छोटी नहीं, बड़ी हो गई हूँ। बड़ी तो हो गई हो, लेकिन बेटे तुम जानती तो होगी कि तुम्हारे पिता के खून का इल्जाम मुझ पर लगाया गया था। वो इल्जाम छूटा था, इंद्रजीत की बातों से मेरे भी दिलो दिमाग पर शक का कोहरा छा गया था, मगर अब वो दूर हो गया है। सच्चाई आपकी रिहाई से पहले ही मुझे मालूम हो चुकी थी। आपको कसूरवार समझने का जो अपराध मैंने किया है उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। हमारी जिद्दी गुड़िया हमसे ही माफी मांग रही है। मेरी तुम नहीं जानती कि तुमने हमारे सीने से कितना भारी बोझ हल्का कर दिया। कितने कष्ट उठाए आपने, कितनी लंबी सजा काटी जबकि अपराधी इंद्रजीत था। सोनू दीदी की भी जान उसने इसलिए ली कि कहीं उसके जुर्म का राज फाश ना हो जाए। अब वो बुरी तरह से मेरे पीछे पड़ा हुआ है, आदमी लगा रखे उसने मेरी जान लेने के लिए, और मैं कभी इस सहेली के यहाँ, कभी उस सहेली के यहाँ, कभी हॉस्टल में, कभी धर्मशाला में छुपती फिरती हूँ। लेकिन मैंने भी प्रतिज्ञा की है कि मैं उस कमीने को चैन से जीने नहीं दूंगी। मैं उसे गुमनाम चिट्ठियां लिखती रहती हूँ जो अंकुश की तरह उसकी आत्मा को, उसके जमीर को घायल करती रहती है। और अगर इस दुनिया में इंसाफ है तो उसके गुनाह खून बनकर उसके रोम रोम से फूट पड़ेंगे। खून नहीं है उसके बदन में, खून नहीं है, जहर दौड़ रहा उसकी रगों में। बिटिया मेरे ख्याल में अब हम लोग चलते हैं यहां से। बेटी कहां जाएंगे? एक एक करके मैं
अपनी तबाही के सारे निशान देखूंगा ताकि याद रहे मुझको, और फिर जाऊंगा संध्या से पहले तुम्हारी आंटी से मिलन होगा ना। आंटी कहाँ है वो? चले गए थे आप? हाँ? अपनी बर्बादी का तमाशा अपनी आंखों से देखने गया था। मेरी विनती है आपसे, भगवान के लिए गुजरी हुई बातों को भूल जाइए। नामुमकिन है, एक बात एक क्षण भी नहीं बुला सकता। मैं जानता हूं कैद से लेकर मेरी रिहाई तक की कितनी कीमत चुकानी पड़ी है तुम्हें, मैं जानता हूं। मैं देख रहा हूं तुम्हारे गले में मंगलसूत्र नहीं है। सुनो, जिस चंडाल ने हमारी जिंदगी के दामन को एक एक करके नोच लिया था ना, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। हाँ, मुझे अपनी सोनू की कसम है, जो तुम्हारी सौगंध है नहीं छूंगा उसे। नहीं, नहीं, मैं दोबारा इन हाथों में हथकड़ी लगने नहीं दूंगी, क्योंकि इन्हीं हाथों से मेरा अंतिम संस्कार होना अभी बाकी है। ऐसा न कहो सुजाता, ऐसा न कहो। सीता के बिना तो राम की मूर्ति भी अकेली हो जाती है, तुम्हारे बगैर मैं अधूरा ही रह जाऊंगा, और तन्हाई में मेरी सांसें बंद हो जाएगी। हराम जादे, जो हाथ मेरा काम अंजाम नहीं दे सकते मैं उन्हें काट दिया करता हूँ। ये तो गुलाम है सरकार, इसे तो कभी भी काट सकते हैं। पहले इस खत को लिखने वाले का हाथ काटिए। ये देखिए, इसने खत भेजा आपके नाम। तुम खूनी हो, तुम कातिल हो, तुम अजगर हो, शक्कर मैं नहीं, इस खत में लिखा है। लेकिन याद रखना, मेरे हिस्से को तुम निकल नहीं सकोगे, मुझे सबूतों का इंतजार है। तुम्हारी दुश्मन मोहिनी। इंदर बाबू, बड़ा मुंह छोटी बात, जब एक तरफ कुआं हो और दूसरी तरफ खाई हो तो पहले खाई से बचना चाहिए। कुएं से तो कभी भी रस्सी पकड़कर बाहर निकल आएंगे, लेकिन खाई से क्या पकड़कर बाहर निकलेंगे? क्या मतलब? मतलब ये कि ब्रह्मदत्त को भूल जाओ और पहले मोहिनी से निपटो। ब्रह्मदत्त के पास है क्या? एक फटी लूंगी, लेकिन मोहिनी की हैसियत करोड़ों से भी ज्यादा है। उसे हड़प करने के लिए उसका मरना बहुत जरूरी है। बड़ा मुंह छोटी बात, समझ गए मेरी घात? जटा, उस दिन तुम डॉन विजय का जिक्र कर रहे थे ना, जो सुपारी लेता। बोलो इंद्रजीत सेठ, क्या काम है? वही काम जो तुम करते हो, लेकिन ताज्जुब इस बात का है कि एक ही शहर में रहकर हम दोनों आपस में मिले क्यों नहीं। वजह यह है सेठ कि तुम हो वर्ल्ड के आदमी और मैं हूं अंडरवर्ल्ड का आदमी, और फिर मिलने का जरा कोई वजह भी तो होना चाहिए। लेकिन आज वजह मेरे पास है, बोलो कब मिलते हैं? डॉन किसी से नहीं मिलता, लोग उससे आकर मिलते हैं। मेरी आदत भी कुछ ऐसी ही है। वाह, लगता है तुम्हारा मेरा कोई पुराना रिश्ता है। मैं किसी रिश्ते नाते में यकीन नहीं रखता, मैं सिर्फ एक बिजनेसमैन हूं। अरे बिजनेसमैन तो मैं भी हूं सेठ, मगर बिजनेसमैन में से अगर बिजनेस को अलग कर डालो ना तो सिर्फ मैन रह जाता है, और मैन का वाइफ होता है, उसका बच्चा होता है, और तुम्हारा क्या कोई नहीं है क्या? मैंने कामयाबी के सिवा जिंदगी में किसी को स्वीकार नहीं किया। अपना केस उल्टा है, तुमने अपनों को स्वीकार नहीं किया और मुझे अपनों ने स्वीकार नहीं किया। मेरा मतलब मेरी मां से। और बाप? अरे मालूम नहीं, मर गया के जिंदा है। खैर छोड़ो, तुम बिजनेस का बात करो। ये बोलो, फोन को किया था? एक कांटा है जो मुझे खटक रहा है, उसे निकालना है। समझ गया। समझ गए तो कीमत बोलो। 5 लाख, और वो भी एडवांस। मुझे मंजूर है। ये ले सुपारी,
काम पूरा हो जाना चाहिए। हो जाएगा, वरना बड़ा मुंह छोटी बात, सरकार तेरे नाम की सुपारी मुझे दे देंगे। मेरे नाम की सुपारी तेरे को? मैं हाश्य नहीं, दिमाग की बंदूक से गोली चलाता हूँ। अच्छा। साहब, आप ऊपर यहाँ कैसे? सड़क पे दोबारा आ गया था, गिर पड़े थे तो मैं उठा के ले आया। साहब, ये अपन पर आपका दूसरा एहसान है। छोड़ो सब, ये डॉक्टर ने दवा दी है, पी लो इसे। अरे साहब, दो बज गए, मैं निकलता हूँ नहीं तो मुसीबत हो जाएगी। कौन सी ऐसी मुसीबत है जो तुम्हारी जिंदगी से भी बढ़ गई है? अरे साहब, अगर ये बैग अपन ने अभी टाइम पर नहीं पहुंचाना तो वो जल्लाद अपन का शामत बुला डालेगा। कौन, किसकी बात करते हो? कौन सा जल्लाद? अपन ने आपको जेल में बताया था ना कि अपन का कनेक्शन एक ऐसा ग्रुप के सरदार के साथ है जिसका काम है सुपारी लेना। ये बैग में भी किसी का नाम का सुपारी है। इस बैग में किसी के नाम का सुपारी है? अरे साहब, ये पान में खाने वाला सुपारी नहीं है, ये जान लेने वाला सुपारी है। मतलब कि पैसा लेके किसी का खून करने का सौदा, मौत का अग्रीमेंट। कौन है वो मौत का सौदागर? बहुत हैंडसम राक्षस है साहब, विजय नाम है उसका। पन अगर अपन ने ये सुपारी उसके पास अभी फौरन नहीं पहुंचाया ना तो समझ लो कि वो अपन का नाम का सुपारी निकाल डालेगा। अच्छा साहब, चलता है। टोनी, गुड इवनिंग बॉस। चला आ रहा है साला लाड साहब का बच्चा, टाइम देगा इसको? टाइम का मत पूछो बॉस, माल का पूछो, माल का। ये फैक्ट्री वाला सेठ का 5 लाख रुपया, 5 लाख रुपीज, और जिसका नाम को सुपारी है उसका भी फोटो इसी में। इस बुड्ढे के नाम की सुपारी है, जरा इसका आता पता तो बता। ओ माय गॉड, ये तो अपन के दत्त साहब का फोटो है, ब्रह्मदत्त। अपन के? तू जानता है इसको? अच्छी तरह से, बहुत ग्रेट मैन है बॉस, अपन के साथ जेल में था, वहां पर अपन का लाइफ भी सेव किया इसने। क्या होगा फिर बॉस? एक बात बोलू, रिक्वेस्ट। बोल बॉस, ये सुपारी वापस कर दो। क्या बोला? सुपारी वापस कर दो? साला गद्दार, गैंग का असूल भूल गया क्या? आई नो, मेरे को मालूम है। तेरे को मालूम है? तेरे को मालूम है? अरे साला, एक बार किसी का सुपारी ले लिया तो उसको वापस नहीं कर सकते, चाहे वो अपने बाप की क्यों ना होने दे। पन बाप कसम, अपन तेरे को उसकी हत्या नहीं करने देगा। साला नामर्द, कसम तोड़ने का कसम खाता है? अरे साला, गैंग का असूल तोड़ने का सजा मालूम है क्या? परसे वासु तंबिया, ले इसको मार। छिल्डल साले, छिल्डल सेंटी फोक के खराब हो गया। अरे टोनी, ये क्या हो रहा है सब? तब तुम इधर में, तुम जाओ, यू कॉल, ये लोग बहुत बहुत डेंजर आदमी है। ओहो, आज कुआ प्यासे के पास, ये तुम्हारी तस्वीर है ना दाढ़ी मेजर?
राइट। हाँ, तुम्हें ना ढूंढना पड़ा इसीलिए मैं खुद ही आ गया। मेरे नाम की वो क्या कहते हैं, सुपारी है तुम्हारे पास? ये जानते हुए भी कि मेरे पास तुम्हारे नाम की सुपारी है और मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुमने मेरे अड्डे पे आने की हिम्मत की, वैसे डर नहीं लगता क्या? ना, मौत का डर यूं भी नहीं है कि जिंदगी और मौत वैसे भी इंसान के हाथ में नहीं है। और बुरा ना मानना, तुम तो इंसान भी नहीं हो। मगर मेरी जानकारी के लिए बताओगे कि मैं इंसान नहीं तो फिर क्या हूं? एक वैशी जानवर हो तुम। मैं वैशी हूं? ये सुना क्या तुम लोगों ने? मैं वैशी हूं, मैं जानवर हूं, मैं इंसान नहीं हूं। शहर का इतना बड़ा डॉन जिसके नाम से पूरा शहर कांपता है, उसे ये मेजर कहता है कि वो इंसान नहीं है, वो इंसान नहीं, वो वैशी है, वो जानवर है। रिवॉल्वर मेरे पास भी है, गोलियां इसमें भी हैं जो तुम्हारे गर्म खून को हमेशा के लिए ठंडा कर सकती हैं। शायद तुम नहीं जानते, जिस तरह मेरे नाम की सुपारी तुम्हारे पास है, उसी तरह तुम्हारे नाम की सुपारी मेरे पास भी है। वाह, ग्रेट, मां कसम मजा आ गया। शहर का इतना बड़ा डॉन जिसका इतना बड़ा नाम है, उसके नाम की सुपारी देने वाला ये कौन पैदा हो गया? सुपारी लेने वाला हूं मैं, और सुपारी देने वाली एक औरत जिसको तुम अच्छी तरह जानते हो, इसलिए कि उसने अपनी कोख से तुमको जन्म दिया है, वो है तुम्हारी माँ। इम्पॉसिबल, मैं लफंगा हूं, आवारा हूं। हाँ, वो मेरे काम से नफरत करती है, मगर मेरे दिल के अंदर की ज्वालामुखी को वो अच्छी तरह से जानती, जो बचपन से मेरे सीने के अंदर खोल रहा है। वो मेरे नाम की सुपारी किसी को नहीं दे सकती, नामुमकिन। पहले मैंने भी यही सोचा था, कौन माँ हो सकती है जो अपनी औलाद की भलाई चाहने के बजाय उसकी अर्थी देखने की तमन्ना रखती हो, लेकिन तुमको देखने के बाद और तुम्हारी घिनावनी हरकतों को, तुम्हारा घमंड देखने के बाद मैं समझ गया। क्या समझे? खाक समझे? कुछ नहीं समझे तुम। चिल्लाओ मत, और ये भी मत भूलो कि इस वक्त हम दोनों मौत के सौदागर हैं। सिर्फ फर्क इतना है कि मेरी मौत के बदले में तुम्हें मिलेंगे 5,00,000 रुपए, और तुम्हारी जिंदगी के बदले में मुझे मिलेगा एहसानों का वो बोझ जिसका कर्ज अभी मुझे चुकाना है। ओ, तो मां के एहसानों को बेटे की लाश से चुकाने का इरादा लेकर आए हो यहां? ऐसे भी होता है, कभी कभी ऐसे भी होता है कि जिंदगी की कीमत मौत, और मौत की कीमत जिंदगी से चुकानी पड़ती है। देखना यह है कि वक्त के पन्ने पर किसका नाम रहता है और किसका नाम मिटता। दम है तुम में, और मुझे दमदार आदमी पसंद है मेजर। बराबर की जंग होगी, एक अनोखी जंग, और मेरा वादा है तुमसे कि तुम्हारे और मेरे बीच दूसरा कोई नहीं आएगा। हाँ मेरे साथ। इस खुफिया तहखाने के दीवार पर लगे उस अलार्म की तरफ देखो मेजर, वहां ऊपर कुछ देर के बाद यह अलार्म बजेगा, और इसके बजते ही यहां पर पड़े सामान के ढेर में हम अपनी अपनी जगह चुन लेंगे, और इसके बंद होते ही हम दोनों की जंग शुरू हो जाएगी मेजर। हम दोनों के रिवॉल्वर में 6-6 गोलियां हैं, किस गोली पर किसकी मौत लिखी है इस बात का फैसला भी हो जाएगा।
दाढ़ी मजर मर गया क्या? अरे जिंदा है तो बाहर निकल, और अगर सीने पर गोली चलाने का जिगरा नहीं तो ले तेरी तरफ पीट करके खड़ा हूं, चला गोली। अरे चलाना। गुड शॉट, मगर कैसी अक्कल है तुम्हारी, पांच गोलियां हंडे और मटके फोड़ने में लगा दी। क्या बात है बापू, अब सिर्फ एक गोली है तुम्हारे पास, एक गोली। घबराओ नहीं विजय, अब उस एक गोली से भी तुम्हें खतरा नहीं रहेगा। अब फैसला तुम्हारे हाथों में, बहादुरों की मौत मरना चाहते हो या बुजदिलों की तरह? सोच लो, डॉन के रिवॉल्वर की आखिरी गोली कहीं कायरों की मौत ना दे दे तुम्हें। तुम्हारे रिवॉल्वर की गोली तुम्हारा कोई हथियार मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरे पास जो ढाल है डॉन, वो तुम्हारा हर वार सह सकती है। हाँ हाँ, तो फिर छुपते क्यों हो, बाहर आओ, जरा मैं भी तो देखूं उस ढाल को जिस पर तुम्हें इतना घमंड है। बाहर आ जाओ, कर प्रवदत बाहर। ये क्या है तुम्हारे हाथों में? पहचानो, कहां से लाई ये, कहां से लाए तुम? ये तुम्हारे मां के हाथों से बनी वही ज्वार की रोटी है जिसे खिला खिला कर उसने बचपन में तुम्हें पाला। यही वो रोटी है जिसका एक टुकड़ा मांगने पर कुब्बा ने तुम्हारे पेट में गोली मार दी थी और तुम उसे हैरत से देखते रह गए। तुम्हें याद होगा, पेट के इसी ईंधन के लिए तुमने इंसानियत का रास्ता छोड़ा और दरिंदगी का रास्ता अख्तियार किया। यही रोटी बारहा तुम्हारे सामने आई और आती रहेगी, लेकिन अपने मां के हाथों की बनी हुई रोटी वो खाने का सौभाग्य फिर तुम्हें न कभी नसीब हुआ और न कभी होगा। क्यों नहीं होगा? कौन कहता है? वो मेरी मां है, उसका बेटा हूं मैं। जब चाहूं घर जाकर अपने मां के हाथों की बनी हुई रोटी खा सकता हूं मैं। चित्कार दिया है उस मां ने तुमको, चित्कार दिया उसने तुमको, तुम्हारे आलिशान घर को, तुम्हारी दौलत को। सूख गई है उसके सीने में मां की ममता अपनी औलाद के लिए। तुम उस चौखट पर कदम मत रखना, मां से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। हां, एक डॉन की हैसियत से तुम लोगों की जानी ले सकते हो, लेकिन एक बेटी की हैसियत से अपनी मां की चिता को आग दिखाने का अधिकार भी तुम्हारे पास नहीं है। मां के जज्बात को बीच में लाकर मेरी हिम्मत तोड़ने की कोशिश कर रहे हो तुम, मगर वो टूटेगी नहीं। आज आज मेरी गोली तुम्हारे सीने के पार होकर रहेगी। तो चलाओ गोली, चलाओ गोली विजय। मैं सिर्फ एक जवार की रोटी लिए तुम्हारे सामने खड़ा हूं, चलाओ गोली। कौन है कार? अब कौन है बुजदिल? हाँ मैं हूं बुजदिल, मैं हूं कायर। हाँ हाँ मैं हूं बुजदिल, मैं हूं कायर। हाँ ये सच है, ये सच है कि तुम्हारी ये ढाल मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी है, सबसे बड़ी कमजोरी है ये मेरी जिंदगी की रोटी।
सबसे बड़ी कमजोरी। चला गोली, ब्रह्मदत्त अंकल पर, मोहिनी पर, मुझ पर, एक ही के नाम की क्यों? आज हम सबके नाम की सुपारी पूरी कर दे। ले, आज तेरे इन खूनी हाथों से तेरी माँ का खून भी बह जाने दे। इससे तेरे मन के अंदर के जानवर को हमेशा के लिए शांति मिल जाएगी। माँ, मुझे माफ। है रविजय, आज तुम्हें वादा करना होगा कि अपने माँ के आशीर्वाद और उसके सच्चे प्यार को ठुकरा कर पाप की दुनिया में फिर वापस नहीं जाओगे, वरना तुम्हें अपनी माँ के आंचल की छांव कभी वापस नहीं मिलेगी। मान जाओ विजय, ये तुम्हारी मुक्ति का आखिरी मौका है। तो मेरी आरती देखना चाहती थी ना? ना, माँ की बदुआ औलाद को कभी नहीं लगती, क्योंकि क्योंकि वो दिल से नहीं निकलती। और फिर तेरा इंतजार तो मैं मरने के बाद भी करती, मेरे बच्चे मरने के बाद भी करती। माँ, तेरे प्यार का गंगा जल मेरे गुनाहों को धो डालेगा। माँ, तू सिर्फ मुझे अपना प्यार दे दे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और तुम क्या दोगे इस प्यार के बदले अपनी माँ को? वादा करो कि इस दौलत का मान रखोगे, प्यार के इस सूरज को कभी ग्रहण नहीं लगने दोगे। वादा रामोनी, अगर तुम मेरा साथ दोगी तो मैं अपनी नई जिंदगी और इस अनमोल प्यार पर कभी कोई आंच नहीं आने दूंगा। वेलकम। टेलीफोन के परिचय के बाद पहली बार आमने सामने, कहिए क्या पसंद करेंगे? फिलहाल चंद बातें। पहले ये रकम संभालिए। मगर रकम वापस क्यों? इसलिए कि जिन बीजों से खून खराबे की फसल उगती हो, उन्हें मैंने अपनी आत्मा की जमीन में बोना बंद कर दिया है। ये तुम्हारे गैंग का फैसला है या? नहीं, ये विजय का फैसला है। मगर ये तो उसूलों के खिलाफ बात है। सुपारी एक बार लेने के बाद वापस नहीं की जा सकती। उसूल मैंने अपनी सहूलियतों के लिए बनाए हैं, उसूलों के लिए मैं नहीं बना। और अगर उसूल इंसानियत का कातिल बन जाए तो ऐसे उसूलों को तोड़ देना ही बेहतर है। उसूल, इंसानियत, ये सब लफ्ज तुम्हारी जिंदगी की सरहद में कैसे दाखिल हो गए? घर छोड़कर मंदिर में रहते हो? मिस्टर इंद्रजीत, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके आने से चूने और मिट्टी के मकान मंदिर बन जाते हैं, और ऐसा ही एक इंसान मेरे घर में भी आया है। जरा मैं भी तो नाम सुनूं। ब्रह्मदत्त। तो ये हमारे ससुर साहब की साजिश है? नहीं 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 नहीं, ये साजिश तो कुदरत की है, जिसने एक ही घर में एक ही छत के नीचे उन सबको इकट्ठा कर दिया जो तुम्हारे जुल्म के शिकार है। मगर उन घर वालों से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? है, बहुत गहरा ताल्लुक है। जिस लड़की की सुपारी तुमने मुझे दी थी, मैं उसे मंगलसूत्र देना चाहता हूं। मैं उससे शादी करना चाहता हूं। अरे सेठ इंद्रजीत, ताल्लुक तो जितना उन घर वालों से है उतना ही तुमसे भी है। क्या क्या मतलब? यही कि कमीनेपन और जलालत में तुम मेरे भी बाप हो। शायद तुम भूल गए कि अगर मैं किसी के लिए तुम्हें खरीद सकता हूं तो तुम्हारे लिए किसी दूसरे को भी खरीद सकता हूं, समझे? एक चुनौती मेरी भी सुन लो सेठ। अगर मोहिनी पर या उस घर में रहने वाले किसी भी इज्जतदार इंसान की जिंदगी पर कोई आंच आई तो खोपड़ी पर आग लगाकर बीड़ी की तरह पी जाऊंगा, दो सुट्टा मारूंगा, एस्ट्रे में राख बनकर पड़े हो गए। तो पारी लेकर वापस करना गैंग के उसूलों के खिलाफ है। तुम्हारे लीडर विजय ने गद्दारी की है, और मैं पूछता हूं इस गद्दारी की सजा क्या है? मौत! 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 तुम खामोश क्यों हो टोनी? क्या तुम गैंग के उसूलों के खिलाफ हो? अपन गैंग के उसूलों के खिलाफ नहीं, मगर जब तक गैंग लीडर नहीं चुना जाता, कोई भी ऑर्डर, कोई भी सुपारी नहीं ली जा सकती। अधूरी सुपारी अब तुम पूरी करोगे। मोहिनी का कत्ल और विजय को मौत की सजा भी तुम दोगे टोनी, डॉन टोनी। नहीं, ये मैं नहीं कर सकता। क्यों क्यों नहीं कर सकते?
इसलिए कि तुम्हें विजय से, मोहिनी से और ब्रह्मदत्त के इस परिवार से हमदर्दी है। क्या यह झूठ है? बोलो, जवाब दो। यह तुम्हारी साजिश थी कि तुमने मोहिनी की तस्वीर बदलकर ब्रह्मदत्त की तस्वीर रख दी। और यह भी सच है कि विजय और ब्रह्मदत्त को मिलाने में तुम्हारा ही हाथ है। नहीं, यह झूठ है, बकवास है। अपन ने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम अपने गैंग के खिलाफ गहरी चाल चल रहे हो। तुम अपने ही लोगों के साथ गद्दारी कर रहे हो। चाले तो तू चल रहा है। तेरे नाम की सुपारी तो मैं लूंगा। बड़ा मुंह छोटी बात। आ हा हा, क्या केक है, क्या रौनक है। अरे सालों से किसी साले को ऐसा शाला नहीं मिला होगा। क्यों मेरी डार्लिंग? हाँ डार्लिंग, मेरे भैया बड़े दिलदार हैं। मेरे शाले, एक बात तो बता, तू इतना रुपया लाया कहाँ से? अलमारी से। कौन सी अलमारी से? जो कमरे में रखी है। कौन से कमरे में रखी है? अरे जो घर में है। अरे किसके घर में रखी है? आपके घर में। क्या मतलब? मतलब ये कि भांजो ने चुराया और मामा ने उड़ाया। मतलब कि मेरा ही जूता मेरे सर पे लगाया। शट अप। अरे अरे नहीं, तो अपनी परछाई से तो भाग कर आ गए जटाशंकर। अब खड़े हो अपने गुनाहों के साये में। आप सर जी, आप यहां? हाँ, विजय मोहिनी का नाच गाना एक स्वांग था। वो स्वांग तुझे खींच कर लाया है तेरी मौत की चौखट पर। पॉकेट पॉकेट मौत की चौखट पर? मेरा कसूर क्या है सर जी? मैंने तो आपका नमक खाया है। नमक खाकर नमक हरामी की तूने मुझसे गद्दार। इंद्रजीत के हर जुर्म में तू बराबर का हिस्सेदार रहा है। और जो सजा उस राक्षस को मिलेगी वही सजा तुझको भी भुगतनी होगी। क्षमा कर दीजिए सर जी, मैं बहुत घटिया टाइप का आदमी हूँ। देखिए ना, मैं अपना माता आपके पैरों पर टेक रहा हूँ। मुझे माफ कर दीजिए सर जी, मुझे माफ कर दीजिए। रहम सर जी, रहम रहम। गोली मत चलाना। उठ जटाशंकर, तेरे बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है। जल्दी बताइए ऐसा कौन सा रास्ता सर जी? तो गौर से सुन, तुझे सरकारी गवाह बनना होगा और गवाह बनकर इंद्रजीत के हर जुर्म का रासफाश करना होगा। सर जी, बड़ा मुंह छोटी बात, अगर मैं ऐसा करूंगा तो वह राक्षस मुझे कुत्ते की तरह मार देगा। और अगर ऐसा नहीं करेगा तो तुझे इसी वक्त मैं गोली से उड़ा दूंगा। दोनों तरफ मौत ही मौत है सर जी, आप मुझे बीत कर आश्रम में डाल दीजिए। आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा ही करूंगा, इसी में मेरी भलाई है सर जी। मुक्ति की तुम्हें इतनी ख्वाहिश है तो मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा, इसीलिए तो तुम्हें उठवाया है। बड़ा मुंह छोटी बात सरकार, मैं तो आपकी नाक का बाल हूं, फिर आप मेरी खाल क्यों उतारना चाहते हैं? रावण ने विभीषण का कत्ल ना करके जो गलती की थी वो मैं नहीं दोहराऊंगा। इससे पहले कि ये मेरे खिलाफ सबूतों का बम फोड़े, इसका सर फोड़ दो, ले जाओ। अरे ठहरो ना चमचो, एक मिनट सरकार से बात करने दो। मेरी भी एक छोटी सी बात सुन लीजिए सरकार। तुम्हारे कारनामों का सबूत मेरी चिता जला के भी भस्म नहीं हो सकते। मुझे मैंने ऐसे कोने में छुपा रखा है कि मेरा कत्ल होते ही मेरे खून के छींटे हर पुलिस स्टेशन की दीवार पर बिखर जाएंगे। सर, इसे फैक्ट्री की काल कोठरी में भेज दीजिए। काल कोठरी का महाकाल इसके मुंह से सब उगलवा लेगा। ले जाओ इसको। तुझे कीड़े पड़े सरकार। अब ब्रह्मदत्त का एक दिन भी जिंदा रहना हमारे लिए खतरनाक है। तुम लोग जाकर ब्रह्मदत्त को भी उसी जगह पहुंचा दो जहां उसका दोस्त प्रेमचंद और उसकी बेटी उसका इंतजार कर रहे हैं। राइट सर। और एक बात, मोहिनी को उठाकर यहां ले आओ, उसका आशिक अपने आप चलाएगा। सज्जनो, आज का दिन बड़ा शुभ दिन है। मालूम हो कि ब्रह्मदत्त और सुजाता भाभी की शादी की सालगिरह का दिन है। लाओ बेटी हार लाओ,
आज पंडित मुश्ताक अली हर साल की तरह इन दोनों का विवाह संपन्न करेंगे। लो भाई इनके गले में हार डालो, भाभी तुम भी हार डालो, तुम एकदम मारे फूल फेंको भाई। ओम हिरण गर्भ पुत्र से जाता पति रे का ओम सब संस्कार की दुख मिला। वेरी मुश्ताक भाई, यह हमारा नहीं, विजय और मोहिनी की शादी का समय होना चाहिए। इंशाल्लाह वो दिन भी आएगा और वो शुभ कार्य भी पंडित मुश्ताक अली के शुभ हाथों से ही संपन्न होगा। जिंदगी में जो सब तुमने खो दिया है ना, वो तो अभी मैं वापस नहीं कर सकता, लेकिन मेरी किताब छपवाने के लिए जो तुमने अपना मंगलसूत्र बेच दिया था, उसकी जगह मैं ये मंगलसूत्र ला। मुबारक हो, मुबारक हो। नहीं सुजाता, नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगा। हिम्मत करो सुजाता, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, सुन रही हो ना? घबराइए मत, मैं जा नहीं रही। और मैं तुम्हें जाने भी नहीं दूंगा, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। सुन रही हो सुजाता? सुजाता, सुजाता, आप तो हमेशा चिल्लाते हैं। कभी नहीं चिल्लाता, मैं तुमसे वादा करता हूं कभी नहीं चिल्लाऊंगा, लेकिन मुझे छोड़ के मत जाना। देखो बेटी चली गई, दोस्त चला गया, लेकिन हम दोनों तो हैं ना, हैं ना हम दोनों साथ। और लेकिन तुम्हारी कसम, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं इन हथियारों के खून की नदी बहा लूंगा, तुम्हारी कसम। नहीं, आपको मेरी कसम, आपके पवित्र हाथ दुश्मन के खून से कभी नहीं रंगेंगे। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी, कभी नहीं, कभी नहीं। सुजाता, 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 अंदर जाओ, इंदर बाबू तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, हरगिज नहीं जाऊंगी। क्या कहा, नहीं जाऊंगी? अंदर जाओ, वरना। वरना क्या? वरना ये शिकारी कुत्ते तुम्हें चबा डालेंगे। छोड़ दो इन्हें। कौन है तुम? मैं वही हूँ जिसे तुम गुमनाम चिट्ठियां लिखती रही। तुम्हारी मौत की तो मैंने सुपारी दे रखी है, लेकिन आज तुम खुद मेरे सामने हो। मत छू मुझे। तुम्हारी जिंदगी और मौत दोनों मेरे हाथों में है। इन हाथों से दोस्ती बनाए रखो मेरी जान। नापाक है तुम्हारे हाथ। तुमने इन हाथों से मेरे पापा का खून किया और अपने जुर्म का फंदा ब्रह्मदत्त अंकल के गले में डाला। तुम अपने आप को इंसान कहते हो, वैशी दरिंदे हो तुम। अगर मैं वैशी दरिंदा हूँ तो तुम्हें मुझसे डरना चाहिए। खतरनाक होता है दरिंदा, अचानक हमला कर देता जैसे मैंने किया। Thank you.
मैंने तुझे चेतावनी भी दी थी कि अगर तूने मोहिनी की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो मैं तुझे अंधा कर दूंगा। ऊपर से छेद छोटा कर डालूं मैं अंदर से। उठ बच्चे। एक लड़की के लिए अपनी आन बान पर पानी फेर दिया डॉन ने, एक्स डॉन ने। तुम कर सकते हो? तुम और तुम मैं भी नहीं कर सकता। मेरी आंखें नोच कर तुम मुझे अंधा नहीं कर सके, मगर मैं जरूर तुम्हारी आंखों में कांटे भरूंगा। यस सर। प्लीज मेरे विजय को छोड़ दो, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। गुड। मोहिनी, इस भिखारी से रहम की भीख मांगने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, तुम्हारी जान के बदले में मुझे इनकी हर शर्त मंजूर है। क्या कहा? बदले में? You mean in return? I like that. बिजनेस की बात मुझे हमेशा पसंद है। बदले में मुझे चाहिए तुम और तुम्हारी दौलत। बोलो, मंजूर है? मुझे मंजूर है। क्या बक रही हो मोहिनी? ये बक नहीं रही है, वक्त की नजाकत को समझ रही है। लो, दस्तखत कर दो। मोहिनी, मोहिनी, गुड। कोई शाला हिल लाए। ये क्या करता है? काल कोठरी से बाहर कैसे निकला है तू? राक्षसों को डिब्बे में कैसे बंद कर सकता है? मैं राक्षस हूं, राक्षस। तुम्हारे इन आदमी ने मुझे अगवा कर मेरी काफी चूना सफेदी की है। मेरे घर का कोना कोना छान मारा, मगर तुम्हारे काले करतूतों के सबूतों का चिट्ठा किसी को नहीं मिला। मगर सरकार, किसी का ध्यान इस कुबड़ पे नहीं गया। असली ढाल तो ये कुबड़ ही है। ट्रम काल चिड़ी का एका। ये कुबड़ नहीं है सरकार, तुम्हारे जमीर का थैला है, जिसके अंदर तुम्हारा हर टेप, हर तस्वीर, हर कागज चीख चीख कर तुम्हारे पापों की कथा सुना रहा है। सरकार, अगर ये थैला मैं पुलिस के हवाले कर दूं, तो तुम्हारी गर्दन में एक साथ कई फांसी के फंदे पड़ सकते हैं। हैं? मगर नहीं सरकार, क्या है कि तुम्हारे साथ रहते रहते मैंने भी कुछ बिजनेस के हाथ कंडे सीख लिए हैं। जिस तरह मोहिनी के लिए तुम कानूनी कागज लेकर आए हो, उसी तरह मैं भी तुम्हारे लिए कानूनी कागज लेकर आया हूं। दस्तखत करो। मेरे पास कागज है और तेरे पास कलम, जल्दी से साइन कर। करता हूं। जमीन से उठ मत इंद्रजीत, तेरी दरिंदगी का हथियार तेरे हाथों से गिर चुका है। वही हथियार तेरी अपनी मौत का कारण बनेगा। आज मैं सबूत के इस हथियार से तेरे शरीर और तेरी आत्मा दोनों से बदला लूंगा।
हमेशा दूसरों की जिंदगी में कांटे बिछाए, आज तुझको भी इन कांटों पे से गुजरना होगा। चल चल। इसे गौर से देखो, पहचानो इसे। ये तुम्हारा ही दिया हुआ चेक है जिस पर मैंने मौत लिख दी थी, तुम्हारी मौत। और आज इस चेक को कैश करवाने का वक्त आ गया है, वो भी तुम्हारे अपने खून से। मेरा? हाँ, तेरा खून। ये मेरी प्रतिज्ञा थी जो आज पूरी होगी। ये ले बेटे। मेरा बेटा? रिश्ते की दीवारें तो तू बरसों पहले गिरा चुका है। विजय बेटे, आज मैं तुझे अपने सुहाग की सुपारी देती हूँ, कर दे इस चेक को कैश। जा बेटे, जा। खून के रिश्ते से कोई बाप नहीं होता। बाप होता है वो जो अपनी औलाद को पौधे की तरह अपना खून दे दे कर सींचता है। मगर तू बाप नहीं, तू जल्लाद है, जल्लाद। तुमसे पूछता हूं, क्या बिगाड़ा था उस मासूम बच्ची ने तुम्हारा, जो तुमने उस बेगुनाह की जान ली? क्या बिगाड़ा था उसे तुम्हारा? और क्या बिगाड़ा था मैंने,
जो मुझ पर मेरे जिगरी दोस्त प्रेम के कत्ल का झूठा इल्जाम लगाकर तुमने 12 साल तक मुझे जेल की सलाखों के पीछे बंद करवाया, जबकि कातिल तुम थे। मुझे माफ कर दो, मैं बहुत जलील इंसान हूं। दूर हट कमीने, मूर्ख हो तुम जो इतनी देर बकवास करते रहे। ये दुनिया मक्कारी और फरेब पर ही चलती है। तुम जानते हो कि फरेब देकर मैंने तुम्हारी दौलत तुमसे छीन ली है और एक इज्जतदार से बेइज्जत बना दिया है तुम्हें, और आज एक फरेबी के हाथों तुम्हारी मौत होगी। ब्रह्मदत्त, तुम्हारी मौत। तुम्हारा वो रिवॉल्वर खाली है, गोलियां इस रिवॉल्वर में है। अब ऊपर जाओ, ऊपर जाओ। इंद्रजीत, याद है पहली बार जब तुम मेरे घर आए थे तुमने कहा था कि ऊंचाइयां ही तुम्हारा नियम है। कमीने आदमी, तुमने जो कहा था वो करके दिखाया। बेगुनाह आदमियों की लाशों पर से कदम रख रख के जिंदगी में तरक्की हासिल की है तूने। ऊपर जा और ऊपर वो देख, अपने ट्रेडमार्क की वो आंखें देख, वो स्पाइडर, वो बकौला, उसकी चमकती हुई आंखें देख इंद्रजीत, और ये ठहरे हुए हाथ, ये तुझसे लिपटने के लिए बेताब है। ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, बुलंदियों की तरफ। हाथ उठा इंद्रजीत, उठा हाथ, झूले आसमान। नामुमकिन, नामुमकिन। आसमान ऊपर कभी किसी को जगह नहीं देता, न कभी उसने दी न कभी वो देगा। हर ऊंची जाने वाली चीज को पलट देता है ये बेरहम, पलट देगा तुझे भी नीचे पथरीली जमीन की छाती पर, मिटा देगा तेरा नामो निशान। विजय ने अपने आप को कानून के हवाले कर दिया। अदालत ने उसके हालात और उम्र को मद्देनजर रखते हुए उसे 2 साल कैद की सजा दी। हाथ धोना शिवानी, अरे ऐसा डिजाइन बनाऊंगा ना कि वो लड़का है ना जिंदगी भर के लिए हाथ थाम लेगा तुम। मैं तुम्हें अपना हाथ नहीं दूंगी। अरे शिवानी, दे दो ना अपना हाथ। चलो दो ना। देखो वैसे भी तुम मुझे नहीं रंग सकते। मैं रंग ला सकता हूँ। चैलेंज ठीक है, तुम्हें मेरे हाथ चाहिए। हाथ चाहिए दो ना। तो ले लो ना। दो ना ले लो संजू। अरे अरे शिवानी, शिवानी देखा, रंग नहीं उतर रहा ना हाथों से। आखिर रंग ही डाला ना मैंने तुम्हें। हे दिलीप भाई, तुम पिता है क्योंकि तुम जवान कन्या का चिंतित पिता है। पियो 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 पियो। संजू, जैसे ही शिवानी की शादी होगी मैं हमेशा के लिए पीना छोड़ दूंगा।
सिर्फ नमस्कार मत कर, भगवान के पास कुछ मांग रहे शिवानी के लिए। तो बस बस बस, मांगते मांगते सुबह हो जाएगी। क्या लगता है अपनी शिवानी का क्या होगा? मुझे लगता है कुछ नहीं होगा। क्या कोइंसिडेंस है, एक तरफ इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट की मैच और एक तरफ शिवानी का इंटरव्यू। इंडिया के पास जीतने के लिए कोई जोश नहीं और शिवानी के पास लड़के का दिल जीतने के लिए कोई होश नहीं। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। होगा, होगा। क्या होगा? कुछ अरे होगा, इंडिया भी जीतेगी और शिवानी भी पास होगी। लगी शर्त? लग गई। ये ले 5,000 रुपए की शर्त। 5,000? इंडिया का भी कुछ नहीं होगा और शिवानी का भी कुछ नहीं होगा। मैं कहती हूँ इंडिया भी जीतेगी और शिवानी भी जीतेगी। मेरी लग गई 1,000 रुपए की शर्त। ये लो, मेरे 2,000। शिवानी का कुछ नहीं होगा, ये मेरे 200 रुपए। 500 का लगाओ, दादाजी का 500। इंडिया की टीम तो जीतने से रही और शिवानी का तो भगवान ही मालिक। क्या 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 कह रहे हैं आप? थोड़ी देर पहले तो आप शिवानी को आशीर्वाद दे रहे थे, कैसी बात कर रहे हैं? I'm sorry, मैं तो भूल ही गया, मेरी हालत तो बिल्कुल भीष्म पितामह जैसी हो गई। सुन लो, भीष्म पितामह की, भीष्म पितामह के 3-3 बेटे थे, मुझे आज ही पता चला। बाबूजी, आपका नाम भीष्म पितामह है? लेकिन स्कूल में तो हम दीनानाथ लिखवाते थे। हाँ, आपने अभी तक हमें बताया नहीं। अरे चुप कर, मेरा मन तो कहता है आज सब शुभ शुभ होगा। अरे शिवानी इतना सॉरी सॉरी सॉरी, मैं तो इट्स ओके। कैसे लग रही हूँ मैं? ये सेट ठीक लग रहा है ना? बाल अभी बनाने हैं। वहां तक लड़के की नजर ही कहाँ जाएगी? तुम पूरी की पूरी कितनी क्यूट लग रही हो। अचानक कितनी बड़ी लग रही हो तुम इस ड्रेस में, और लड़का तो गया। संजू, मुझे नहीं देना है इंटरव्यू। क्या क्या वो लड़का कहाँ है? नहीं, वो मैं उसे जानती भी नहीं हूँ। ओके, क्या तुम मुझे जानती हो? हाँ। मैं तुम्हें अच्छा लगता हूँ। हाँ। तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? चलो चलो, आंखें बंद करो, आंखें बंद करो, ये चिंता डर नर्वसनेस सब छोड़ो। आज का इंटरव्यू ही क्या, तुम सारे दुनिया के इंटरव्यू में पास हो जाओगी। यकीन नहीं आता ना? अखंड ब्रह्मांड कोटि संजू बाबा का आशीर्वाद है, जा बच्ची तेरा कल्याण होगा। जय श्री गणेशाय नमः। हेलो, हाय, आई एम मयूर, मयूर विरानी। जी, मैं विनाशी निवासी शिवानी। सत्यानाश, शिवानी गई काम से। ओह सॉरी। हाँ, नहीं नहीं, इसमें सॉरी कहने की क्या बात है? नहीं है। ओह सॉरी अगेन। क्या करें? क्या करें? अरे लड़की को बचाना पड़ेगा। कैसे? अरे पेपर लाओ, पेन लाओ जल्दी। शादी के बारे में क्या सोचा है? या मॉम, तुम्हारे बारे में क्यों सोचूं? खोचूं? बोलो बोलो, कुछ तो सोचा होगा। पर आप हंसी क्यों? जी वो मैं, जब मैं बहुत घबरा जाती हूँ ना, तो मैं हंसने लगती हूँ। इस तरह जब मैं बहुत डरावनी पिक्चर देखती हूँ ना, हॉरर हॉरर, तो मैं बहुत हंसने लगती हूँ। और जब हंसने वाली फिल्म देखती हुई तब घबराती होगी? नहीं, तब मैं रोती हूँ। आपको बच्चे पसंद है? राजू पिंकी को बुला। नहीं नहीं, मैं उन बड़े बच्चों की बात नहीं कर रहा। फर्ज करो अगर लड़का होगा हमारा, तो क्या नाम रखेंगे बेटे का? बाबू भाई। बाबू भाई। मेरी माँ मेरे पिताजी को प्यार से बाबू भाई कहके बुलाती है। किसी को बताना नहीं हमारे घर में। हमारे भी नहीं। नहीं। अब बहुत हंसमुख हो। Go down, go down. The boy says she's hustle. That means he's gonna be hot. Yes, sir. इस दफे लड़के को शिवानी पसंद आ गई तो मैं मीठा खाना छोड़ ही दूंगा। और मैं आपको चुपना छोड़ दूंगी। छोड़ दिया? क्या क्या छोड़ दिया? देखो ना, क्या छोड़ दिया। और मैं जिसको सिगरेट लेट आना छोड़ दूंगी। और मैं वो क्या कहते हैं, वो छोड़ दूंगा। वो तू बोलना छोड़ दे पहले। इस बार अगर काम हो गया ना तो मैं ये घर छोड़ के चला जाऊँ।
तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम शिवानी को मंडप में बिठा कर ही जाओगे। शिवानी, अभी तक आपने मेरे बारे में तो कुछ पूछा ही नहीं। अभी तक अपने आप से भी कहा कुछ पूछा है मैंने? वाह क्या गहरी बात है। आज तक इतने सट्टे खेले लेकिन जी चाहता है कि आज का सट्टा मैं हार जाऊं और शिवानी जीत जाए। मैं फनी लगी आपको? मैं रियली फनी भी, स्वीट भी, खूबसूरत भी। खूबसूरत हेलो एवरीवन। हेलो, क्यों बेटा हो गई बातचीत? हाँ परफेक्ट, लेकिन एक बात कहनी रह गई। क्या बेटे? वो मम्मी डैडी से बात करके ऑफिशियली फोन कराऊंगा। जीत गई। अरे कहाँ चले, पैसे तो वापस देते जाओ। जीती रहो बेटी, ना हैप्पीनेस। जीती रहो शाबाश बेटी, शाबाश। क्या हुआ? क्या बात है बेटी, कहाँ खो गई शिवानी? अरे अरे अब तो भगवान ने सब ठीक कर दिया। ये सारा जादू अपने संजू ने किया। किस पर बाबूजी, शिवानी पर या मयूर विरानी पर? लेकिन मैंने तो मैच संजू गया कहाँ? 14 के बाद ये 15। नटवरलाल काम हो गया? संजू जल्दी कर, मैं ये कैलेंडर की आरती करते करते दिन गिन रहा हूँ। मेरे भाई जब ये फोन बजता है ना तो जोगिया के डर के मारे मेरे हाथ कांपने लगते। फोन क्या वाइब्रेटर हो गया इसकी ऐसी, अगर इसको मैं दही में डाल दूँ ना तो लस्सी हो जाए, लस्सी में डाल दूँ तो कुल्फी हो जाए। और जब चलो एक काम कर, मान ले और जल्दी निकल प्लीज। ओके हाँ। किसका फोन था? संजू शास्त्री का। संजू तो मैं हूँ। Glad to meet you. पता है बाबू भाई, वो लड़का जब मेरा इंटरव्यू कर रहा था ना, तो वो लड़का, उसकी आवाज, उसके सवाल, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। मुझे तो बस संजू की याद आ रही थी, बस उसी की आवाज गूंज रही थी मेरे आसपास। बाबू भाई, मुझे ना संजू ना बहुत पसंद आने लगा है। तुम्हें क्या लगता है, क्या वो मुझे चाहेगा, मुझे अपनाएगा वो? बताओ ना। लेकिन तुम कैसे बताओगे? अच्छा काम करते हैं, वो जो वहां पे लैंप है ना, अगर तुम उस लैंप के आगे चले गए तो मैं समझूंगी वो मुझे पसंद करता है। और अगर तुम इस साइड रहे ना तो रुको ना, तो मैं समझूंगी कि अपना तो हाँ। ओके ओके अब ठीक है, जल्दी से जाके मुझे बता देना, ठीक है ना बाबू भाई? कम ऑन बेबी, कम ऑन बाबू भाई, ठीक से बताना प्लीज बाबू भाई, आगे जाना, मूव दादी। ये घोड़ा है और ये सिर्फ 2.5 स्टेप चलता है। बड़ा कमजोर है तुम्हारा घोड़ा। राजू हा? वो तुम्हें पिंकी बुला रही है दादी। क्या? मुझे ना, मुझे वो अच्छा नहीं लगता। कौन? और कौन? वही मयूर विरानी। हा? अरे पगली, चल बैठ यहाँ। शिवानी, शुरू में ऐसा होता ही है। जब मेरी मंगनी हुई थी ना तेरे दादाजी के साथ, तो वो मुझे कहाँ अच्छे लगते थे। धीरे धीरे उनकी अच्छाइयाँ नजर आने लगी। कितनी अजीब बात है, अपने करीब के लोगों को पहचानने में ज्यादा वक्त लग जाता है। ये सारी जो बातें होती है ना, ये है वो, ये सब लड़कियों को क्यों बताई जाती है हमारे यहाँ पर? बार बार वही, मैं उसे नहीं चाहती। क्या हुआ शिवानी? फिर से क्या हुआ? कुछ नहीं बाबा। भवानी जंक्शन शिवानी जंक्शन। माँ क्या हुआ इसे? पता नहीं आज फिर उसे क्या हो गया है, कह रही थी उसका मन नहीं लगता मयूर के साथ। संजय तुम समझाओ उसे। मैं? तुम्हारी तो सुनती है, मेरी तो बात ही नहीं मानती। हाँ जब तुम सालों से हमारी बात नहीं मान रहे हो तो आज तुम्हारी बेटी तुम्हारी बात क्यों मानेगी?
क्या माँ, कौन सा बड़ा पाप कर लिया मैंने? दो ड्रिंक पी लिए तो ये बेटा राक्षस हो गया। तुम तो सब जानती हो माँ, फिर भी। बात संस्कारों की है। संस्कार? तो हमारे उन जुआ और सट्टा खेलने वालों के संस्कारों का क्या? दिन रात दो नंबर का हिसाब बनाकर जीते रहते हैं, वो शरीफ लगते हैं। चिल्लाओ मत, दिलीप सुधा ठीक कह रही है, बिल्कुल सही। तुम पहले अपनी ये आदतें सुधारो। देखिए बाबूजी, मैं ये कह रहा हूँ, याद किया किसी ने हा? अभी अभी मैंने सुना कोई जुआ सट्टा ऐसे बोल रहा था। नहीं नहीं, वो जुआ बोल रहा था कि मुझे दुआ दे रहे थे, मेरी समझ में नहीं। इसलिए समझदार है, मैं समझदार हूँ, इसलिए पूछ रहा हूँ। बस बस बस, अरे तुम लोग भी टीवी सीरियल की तरह छोटी छोटी बातों को खींचते रहते हो, हर बात पे इमोशनल हो जाते हो। रिलैक्स, मैं हूं ना, मैं समझाऊंगा शिवानी को। बहुत पजल रहती हो आजकल। ए शिवानी, ये क्रॉसवर्ड पजल में क्या खोई रहती हो? छोड़ो ना। मैं जो भी करूं तुम्हें क्या लगता है? ना लगता है, तू मेरा क्या लगता है? क्या आ गया समझाने, घर वालों की वकालत करने? दस लड़के मार के एक लड़की पैदा की ऊपर वाले ने। देखो शिवानी, माँ कह रही थी कि वो पहले ये पहली सोचा, तीन अक्षर प्रेम प्यार के मतलब के अंग्रेजी में बोलो, थ्री लेटर्स रोमांस। ओ रोमांस लिखो, रोमांस लिखो। तुम सुन रही हो ना? देख रही हूँ। देखो शिवानी, तुम्हारे मन में क्या है? इतना भी नहीं समझते, अपने मन से पूछो। देखो शिवानी, वो मयूर है ना, बहुत अच्छा लड़का है। बातें करो उससे, मिलो, एक दूसरे से जान पहचान बढ़ाओ, एक दूसरे की लाइफ के बारे में पूछो, उसकी आंखों में आंखें डालकर बातें करो। धीरे धीरे पास आने से वो लड़का, उसकी परफ्यूम की खुशबू, उसके सिगरेट पीने की अदा, उसके रूठने मनाने का अंदाज अच्छा लगने लगेगा तुम्हें। और धीरे धीरे तुम्हारे आसपास अपनी सपनों की दुनिया बनाएगा तुम्हारा ड्रीम मैन। शाम का इंतजार करोगी तुम सुबह से, उसके फोन के इंतजार में तुम बार बार अपनी घड़ी देखोगे। सपनों में तू माने ना माने,
तुझे सपनों में, तू माने ना माने, है तू ही मेरे अपनों में। ये दिल विल प्यार व्यार है ना, बहुत बड़ा दलदल है। जो प्यार में अटका उसका नसीब है झटका। एक्चुअली माजी, इसके आगे मुझे भी नहीं आता। भजन भले अधूरे हो, हमारे संस्कार तो पूरे हो गए। हमारा एमटीवी चैनल दूरदर्शन बन गया। इट्स अ मिरेकल, कमाल कर दिया देवर जी, कुछ कमाल। करो ना माजी। महेश को समझाओ ना। गॉड ब्लेस। अरे महेश, तुम क्या कर रहे हो? साफ साफ इसे जवाब क्यों नहीं देते? बिजनेस में तुम लोग इसकी मदद करने वाले हो कि नहीं? हाँ माँ, पहले हम सोचते हैं बाद। तू डरता क्यों है संजय? देख, एक बार इनके साथ मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाने दे, मैं तेरा काम कर दूंगा 100%, प्रॉमिस। दादाजी को सबसे ज्यादा पसंद क्या है? दादी। अभी तक और क्या कर सकते हैं? आज शाम को चेस के टाइम पे ना, तुम वहां पहुंच जाना। चेस के टाइम पे? हाँ। वाह वाह दादाजी, क्या चाल है! 30 साल की प्रैक्टिस है, चाबुक की तरह चलता है दिमाग। दिमाग? दादाजी ये दिमाग विमाग छोड़ो, दिल की बात करो तो जानू। आपका बेटा महेश है ना, आपसे सालों से बात नहीं करता, तो फिर ये लकड़ी के घोड़े सिपाही जीतकर क्या करोगे? अरे मुझे किसी की जरूरत नहीं। अरे अरे महेश भाई आप, अरे आइए ना। नहीं नहीं यूं ही जरा। चाबी कहाँ गई? तिजोरी की चाबी चाहिए होगी। तिजोरी में है ही क्या, एक सिर्फ चाबी तो बची है, बड़े बेटे ने बांट दिया होगा खैरात में। आओ आओ बैठो बैठो यार। बैठो बैठो। अरे ये क्या चल जाएगा, ये सट्टा नहीं है शेयर बाजार का, चेस का गेम है, चेस का। अरे किनके साथ खेलने के लिए तू मुझे बोल रहा है? अरे कौन खेलता इनके साथ? अरे इनका ऊंट तो हमेशा टेढ़ा ही चलता है, पर हाथी सीधा। महेश भाई महेश भाई, गलत चाल खेलो ना, बुड्ढा खुश हो जाएगा। अरे मैं क्यों गलत खेलूं? लेकिन मैं क्यों गलत खेलूं? तू बीच में मत बोल। अरे अरे
ये बॉक्स क्या है? ये अरे इसमें क्या है? नहीं नहीं ये तो लड्डू किसके हैं? बेसन के। ये वो बुड्ढे लोगों के लिए ना जिनके दांत नहीं होते। हाँ उन लोगों के लिए होते हैं, इनके दांत तो मजबूत है। कब से मेरे पे पकड़े हुए हैं दांत। खेलिए खेलिए मैं आया। हाँ। चलिए। वाह 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 क्या चाल चली है। करेक्ट। आखिर बेटा किसका है? तू बीच में मत बोल। देखा अभी तक मुझे बेटा नहीं मानते वो। दादाजी दादाजी बात सुनो ना, फिर छोड़ो ना यार, गेम जीतने दो ना, उसे माफ कर दो ना। मैं क्यों हारू? बड़ा कौन है मैं या वो? आई थिंक वो। मेरा मतलब है आप। फिर आप? फिर गेम वो हारेगा, माफी वो मांगेगा। तू बीच में मत बोल। ले। अरे महेश भाई अगर बुड्ढे का दिल जीतना है ना तो गेम उल्टा खेलो। उल्टा ही तो खेल रहा हूँ मैं। सीधा खेलना आता है किसको? क्या चाल चली है, क्या गुगली फेंकी है देखो। वाह 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 क्या चाल है दादाजी। देखो ना फंस गया ना टिल्लू। टिल्लू? कितने वर्षों के बाद टिल्लू कह के पुकारा आपने बाबूजी। मैं असल में चाबी ढूंढने नहीं आया था, मैं तो आपको लड्डू ही खिलाने आया था। मैं भी कहां गेम खेल रहा था, बहुत तड़पाया तूने मुझे, अब तू बीच में बोल। दादाजी मुझे पता नहीं था कि इस 100 ग्राम के लड्डू में इतनी ताकत है। ए पिंकी क्या हुआ? मम्मी पापा लड़ते रहते और मुझसे प्यार ही नहीं करते। तो क्या हुआ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ ना, तू कितनी स्वीट है। लेकिन आप मेरे पापा थोड़ी हो। और मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, तुम कितनी क्यूट हो। लेकिन आप मेरे मम्मी थोड़ी हो। वो भी सही है, अगर आप दोनों मेरे मम्मी डैडी होते तो कितना अच्छा होता। आइडिया, आप दोनों शादी क्यों नहीं कर लेते, फिर आप दोनों अपने बच्चों से कितना प्यार करोगे, है ना? चुप, कुछ भी बड़बड़ करती रहती है पागल। अच्छा अब रोना बंद करो। हसो ना। ऐसे नहीं, तुम दोनों साथ में मनाओगे तो वही हंसूंगी। ओके। कैसे बोलूं, मुझे वो आ रही है। क्या वो? वो लड़कियों को घूंघट में होता है ना पसीना। नहीं, लड़कियों को जब वो आती है तब वो जो पैरों से जमीन को कुरेदती है ना, शर्म। हाँ शर्म आ रही है। एनीवे कह देता हूँ। आई हाँ आई लव यू भी ठीक तरह से नहीं बोल सकते आप। क्या हुआ सतीश भाई? पता नहीं संजू यार, मैं एक बात ठीक से नहीं कह पाता। आई मीन मन की शक्ति का उपयोग करो। किसकी, मेरी या तुम्हारी? तुम्हारी ऑफ कोर्स। अमेरिका में एक आदमी ने चम्मच की तरफ ध्यान लगा कर देखा। हाँ? तो चम्मच ही टेढ़ा हो गया। क्या बात कर रहे हो? अरे आगे सुनो, जब वो टीवी प्रोग्राम पे चमत्कार दिखा रहा था। हाँ? जितने घरों में टीवी चल रहे थे ना उन सबके चम्मच टेढ़े हो गए। ओहो रहने दो, ये चम्मच का सेट मैंने नया खरीदा है। बोलो कि आज के बाद मैं हकलाऊंगा नहीं। मैं हकलाऊंगा नहीं। रिपीट करो। मैं हकलाऊंगा नहीं। मैं एक दिन क्रिकेट कमेंट्री दूंगा। कमेंट्री दूंगा, वनडे की या टेस्ट मैच की? वनडे की। पोखरण के रन में बम बम बोले, बम बम बोले, बम बम बोले, बम बम बोले, टूटा पापड़ कच्चा, सुन ले दुश्मन बच्चा, सुन ले दुश्मन बच्चा, पूरन मासी ऑन वैलेंटाइंस डे, मेरी भैंस को डंडा किसने मारा, मेरी भैंस को डंडा किसने मारा, किसने मारा, दिल जिगर किडनी लिवर, दिल जिगर किडनी लिवर। ओफो ओफो, अरे क्या कर रही हो तुम, क्या कर रही हो तुम? अरे हटाओ ना इसे, हटाओ ना इसे, प्लीज प्लीज। अरे तुमसे नहीं कह रहा हूँ, तुमसे नहीं कह रहा हूँ। अच्छा 15,000 तो? 15,000 काई के भाई, इतनी जल्दी 15,000 लुटने बैठा है क्या? देखा असर हुआ ना? अरे हाँ संजू, हाँ ज्योत, ज्योत दिखाई दे रही है, चमत्कार संजू, चमत्कार, डिवाइन रोशनी, यू आर ग्रेट, आई एम ग्रेट, गॉड इज ग्रेट, एवरीवन इज ग्रेट। बोलते रहो बोलते रहो। ये क्या हो रहा है? डार्लिंग डार्लिंग जरा देखो ये चम्मच टेढ़ा हुआ, आंखें टेढ़ी हो गई है। ओ चलो कुछ तो टेढ़ा हुआ। ए
आंखें बंद करो, आंखें बंद करो। क्यों? करो ना प्लीज। अब हाथ आगे करो, पकड़ो 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 फटाफट। ये क्या है? फीलिंग्स। शिवानी, अरे यहाँ क्या कर रहे हो तुम लोग? जूते भाग रही हूँ मैं। अरे जाके जल्दी तैयार हो जाओ मयूर साहब आगे ले जाने के लिए। जूहू में दंगे हुए कर्फ्यू लगे कर्फ्यू। ओ संजू क्या कर रहे हो तुम, इन्हें समझाओ अंदर भेजो जल्दी, जाओ जल्दी तैयार हो जाओ। मुझे नहीं जाना है उस मयूर के साथ। प्यार करने के 7 स्टेप तो आजमा लो, गिव अ ट्राई। 7 स्टेप? शिवानी तुम बच्चों को कहाँ ले आई हमारी प्राइवेसी में? आपको नहीं पसंद बच्चे? ऑफ कोर्स। यू वोंट बिलीव, एक जमाने में मैं भी बच्चा ही था। रियली? इनफैक्ट बच्चे मुझे इतने पसंद है कि पड़ोस के सारे बच्चे मेरी गोद में ही बड़े होते हैं। स्वीट। और मेरी गोद में खेलते के लिए प्यार से मुझे गोदरेज अंकल कहते हैं। तो फिर उठा लो ना। श्योर। राजू को, बेचारा कब से थक गया है। क्या मैं राजू को उठाऊं? शादी के बाद की ट्रेनिंग तो अभी से लेनी पड़ेगी ना। लाओ ये मुझे दो। शाबाश। थैंक यू अंकल, आज आपने मुझे उठा लिया, कल भगवान आपको उठा लेगा। बच्चा है बच्चा है, मजाकी मजाक में मन की बात कह देता है। वहाँ वहाँ कम ऑन किड्स। जीजाजी खा खा के बहुत थक गया, चलो अब उठा लो। क्या? अब मयूर जीजाजी एक चौक सुनाएंगे। एक सरदार जी था। नहीं नहीं नहीं, ये सुना हुआ है। अच्छा ये सुना हुआ है। एक गधे को एक घोड़े से प्यार हो गया। ये भी सुना हुआ है। ये भी सुना हुआ है। पूरा तो करने दो। ये तो बचपन में सुना हुआ है। ये बचपन में ही सुना है, मैंने तो अभी अभी सुना। हे जोक, यहाँ गधे घोड़े की बात करना है या लड़की पटाने? लड़की पटाने। तो फिर जस्ट से आई लव यू। यस। ओके शिवानी, सबके सामने कहता हूँ आई लव यू। ये जोक नहीं है। अरे मुबारक हो मुबारक हो। अरे शिवानी के लिए वीरानी परिवार के यहाँ से हाँ आ गई है। क्या? हाँ, अब 1 महीने में शादी हो जाएगी और अपनी सारी कंपनीज वो ले लेंगे। इसका मतलब ये है कि आप मैं हम सब का बेड़ा। करेक्ट। ए मजबूत। लेकिन वो जो मेरे बिजनेस के पैसे हैं वो भी। बिल्कुल यार। कितना अच्छा दिन है ना आज। आज लड़की का रिश्ता भी पक्का हो गया और आज माँ और बाबूजी की शादी की सालगिरह भी है। क्या? हाँ महेश भाई, आज दादा दादी को एक ऐसी सरप्राइज देते हैं कि वो रो पड़ेंगे। फिर से? अरे हमेशा रोते ही तो है वो। इस एक बार कहो ना दीनानाथ। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। अच्छा दीनू। नहीं। अरे तुम्हें भारत छोड़ो आंदोलन की कसम। ऐसा याद है उस वक्त मूड में मैं कह गया था मैं इस देश का महान नेता बनूंगा, इस देश को बदल डालूंगा, याद है? और मैंने कहा था रहने दो, अपने लहंगे की नाड़ी तक नहीं बदल सकते, देश क्या बदलेंगे। उस वक्त मैंने तुम्हारी बात मान ली थी, अब तुम मेरी बात मान लो। हा? एक बार प्यार से पुकारो ना। कह दिया ना? नहीं दीनू। माजी बाबूजी जल्दी चलिए, नीचे बहुत बड़ा टेंशन है, अब जल्दी चलिए प्लीज। अरे मरने के बाद भी मेरे चिता की लकड़ी के साथ ये लोग लड़ते रहेंगे। कहो मर गए सबके सब। अरे अरे नहीं, अरे मेरे मैयत पे गए हैं क्या सब? अरे शुभ शुभ बोलिए ना, क्या हो रहा है ये सब? क्यों चिल्ला रहे हैं? अरे कोई जवाब भी देगा। ये शादी की सालगिरह मुबारक। दादा दादी को हम मुबारकबाद देते हैं सालगिरह की और आज उनके लिए हम एक सरप्राइज पार्टी देंगे। यस, दादी बनेंगे फिर से दुल्हन और दादा दूल्हा और हम सब बनेंगे बाराती। शर्मा गई मेरी दुल्हन। एक्चुअली हाँ। बढ़ा दूँ ये घूंघट।
इन यूनियन वालों पे वो मल्होत्रा प्रोडक्ट्स ने खरीद लिया है हमारे मजदूरों को, यहाँ पे हड़ताल करा के अपना सारा ऑर्डर वो खा जाएंगे। 2.5 करोड़ का माल सड़ जाएगा बड़े भैया, 2.5 करोड़ का। नमस्ते मालिक। क्या बात है चौहान, बोलो इनको, फैक्ट्री का काम ठीक ठाक चलेगा? तुम भी क्या करूं मालिक, पेट चीज ही ऐसी है, जब खाली है तो शोर मचाती है और जब भर जाता है तो डकार मारती है। तुम बहुत घटिया आदमी हो। हमारा डिमांड कुछ नया नहीं है, वही पुराना डिमांड, पैसा, मजदूरों को मैं संभाल लूंगा। बार बार कह रहा था मत बनो सत्यवादी,
मत चढ़ाओ सर पर मजदूरों को। कर दिया ना हड़ताल, अब क्या जवाब दोगे पार्टियों को? आ गए ना रोड पर एक रात में हैं? दिलीप भैया आपकी वजह से कंपनी बंद हो चुकी समझो। मैंने क्या गलत कहा? अब यूनियन वाले अपनी जबान से फिर गए तो मैं क्या करूं? लेकिन आपने उन पर भरोसा किया और वो बिक गए ना। इस दुनिया में उसूलों पे चलने वाले लोगों के मंदिर बनते हैं पर घर बिक जाते हैं। तो क्या चाहते हैं आप सब? आज के बाद बड़ा भाई होने का झूठा सम्मान भी मत देना। यस, अब आज के बाद हमारा गेम हमें ही खेलने दो चुपचाप। ठीक है, मैं माफी मांगता हूं आप सबसे। अरे संजू कहाँ है तू? लल्ले है। अरे यार ये जोगे ने पूरे घर को घेर लिया मेरे बाप। यहाँ पुतले पे चाकू घुसेर दिया, दीवार पर खून से लिख गया, 2 दिन का वार्निंग दिया मेरे बाबा। आज गुड़िया पे कल मेरे को चाकू मारेगा यार। तू एक काम कर, माल लेके वहां से निकल, मैं तेरे पांव पड़ता हूँ। और ये असली संजू शास्त्री को तो मैं पटा पटा के थक जाऊं मेरे भाई। एक काम कर तू यहाँ आ जाने तो मैं वहां आता हूँ। मैं निकल रहा हूँ, जल्दी से निकल रहा हूँ। क्या हो रहा है? अरे इंडिया पाकिस्तान की मैच थी ना, तो इंडिया जीत गई इसलिए पटाखे फूट रहे हैं। अच्छा? हाँ बच्चा, याद रखना, बोल दे देना। संजू ये क्या, तुम हमें छोड़कर जा तो नहीं रहे हो ना? नहीं, मैं तो सिर्फ ऐसे ही। मैं हार गया हूँ संजू, मेरी वजह से सारा बिजनेस गिर गया। मैंने ऐसा नहीं चाहा था। अब तुम ही बचा सकते हो मुझे और मेरे परिवार को। दिलीप भाई मैं क्या कर सकता हूँ? संजू तू समझा शिवानी को कि विदानी परिवार का रिश्ता ना टूटा, वो लोग हमारी कंपनी संभाल लेंगे, हमें कर्जे से बदनामी से बचा लेंगे, और फिर मैं ये घर और ये बिजनेस छोड़कर दूर चला जाऊंगा। मैं लायक नहीं हूं हिसाब किताब की दुनिया के। मेरी ऑनेस्टी, मेरी बातें कमजोरी लगती हैं सबको। शादी के बाद विदाई मेरी बेटी की होगी, लेकिन घर छोड़कर जाऊंगा मैं भगोड़ा हूं बेटे, और फिर तलाश करूंगा जिंदगी के सच को, और चीख चीख कर पूछूंगा जिंदगी से, बता कहां कभी रह गई, क्यों मुझे इतना लाचार बाप बनाया कि आज पैसे के लिए अपनी बेटी की शादी करवा के। संजू प्लीज तू समझा शिवानी को शादी के लिए। अब मैं और क्या कहूं अपने मुंह से? दिलीप भाई सब ठीक हो जाएगा। बस बोल चुके तुम सब कुछ, अब सिर्फ हां या ना में जवाब दो। अगर इस रिश्ते से मैं खुश नहीं हूं और कभी हो भी नहीं सकती, तो वो मेरे अपने जो मुझे खुश देखना चाहते हैं, क्या वो कभी खुश हो सकते हैं? नहीं। इन तीनों भाइयों को बिजनेस में बांधे रखने के लिए मुझे किसी के भी साथ घर बसाना होगा? आज मेरा किसी के भी साथ घर बसा रहे हैं, अगर कल को राजू को किसी ने किडनैप कर लिया, 50-60 लाख रुपए मांग लिए, तो क्या कहेंगे ये लोग? मार डालो उसे, क्योंकि वो बेचारा अपाहिज है जैसे मैं लाचार हूं, कुछ नहीं कर सकती। क्या फर्क क्या है हम दोनों में, बोलो? तुम जानती हो तुम्हारे पापा के? हाँ मैं जानती हूं, मैं जानती हूं कि मेरे पापा हार चुके हैं, टूट चुके हैं वो, लेकिन इसका मतलब मुझे मेरी सारी जिंदगी उनकी हार, उनकी नाकामी, उनके सारे दुख विरासत में लेके जीना पड़ेगा। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं एक लड़की हूं? पता है संजू, आज पहली बार मुझे अच्छा लग रहा है। बहुत खुश हूं मैं कि मेरी मां मर चुकी है, जिंदा नहीं है वो, ये सब कुछ देखने के लिए। और तुम किस मुंह से मुझे ये सब कुछ बताने आए हो? आंखों में आंखें डाल के बताओ कि एक दिन इसी जगह अपने आप से आजाद करने के लिए जिस तरह मेरी किताबें जलाई थी, उस तरह आज मेरा फ्यूचर जलाने आए हो? शिवानी, उसी दिन छत से धक्का क्यों नहीं मार दिया जिस दिन नई सांस लेना सिखाया था, अपने आप से आजाद किया था, जिंदगी से लड़ना सिखाया था, अपने आप में भरोसा करना सिखाया था, क्यों सिखाया था? एक बात मैं और जान चुकी हूं तुम्हारे बारे में, बहुत झूठ कहा तुमने मुझसे, तुम मेरे दूर के रिश्तेदार हो ही नहीं सकते।
तुम तो मेरे बहुत करीब के हो, क्योंकि इतना दुख कोई अपना ही दे सकता है। संजू, पहले एक बार मुझे छूकर कहो, तुम जो कुछ भी कर रहे हो क्या वो सही है? शिवानी, इन सब सवालों का जवाब नहीं है मेरे पास। अपने आप को सुखी करना पाप है? नहीं। क्या तुम सुखी होंगे मेरे जैसे लड़की पाकर जिंदगी में? बोलो, चाहते हो मुझे, पसंद करते हो? Do you love me? बोलो हाँ या ना। शिवानी दीदी, सब लोग तुम्हें नीचे बुला रहे हैं। मुझे जवाब चाहिए संजू। जवाब तुम जानती हो शिवानी। शिवानी दादी, शिवानी कम ऑन। शिवानी जी, ऐसी शादी रचाऊंगा कि पूछो मत। आज तक आपने मुंबई में ऐसा सेट नहीं देखा होगा रिसेप्शन का। फिल्म वालों को बुलवा के बनवाऊंगा। भाई साहब, रिसेप्शन पर गोविंदा भैया से डांसिंग कराएंगे हम। अरे शादी है, इतना हंगामा क्यों? आखिर बात क्या है? अरे समधी जी, हमें भी तो आपके उसके साथ वो मिला के चलना होगा। वो मिला के क्या? कंधा, अभी चक्कर रोकते हुए सब तमाशा। पागल मत बनो शिवानी। जी का नाम लेकर शुभ शुरुआत कर दीजिए। ओम श्री गणेशाय नमः। इनफ इज इनफ। किस अधिकार से पकड़ रहे हो यार? और किस भरोसे से तुम ठुकरा रही हो ये रिश्ता? हम लड़कियों को ना एक सिक्स सेंस होती है, स्पर्श पहचानने की सेंस। एक शर्त पर मैं नीचे चुप रहूंगी। क्या? आज शाम को तुम मुझे टेरेस पर मिलने आ जाओगे। शिवानी, शिवानी, अरे शिवानी क्या कर रही हो तुम? गिर जाओगी तुम। तुम जो हो थामने के लिए, फिर मैं क्यों डरूं? मरना है क्या? हाँ मरना है, तुम पर। देखो शिवानी, तुम पागल हो गई हो क्या? हाँ पागल हो गई हूँ तुम्हारे लिए। तुम नीचे उतरती हो नहीं? पहले तुम कहो कि मैं तुम्हें अच्छी लगती हूँ। तुम यार बस करो शिवानी ये सब। कम ऑन संजू, एक दिन इसी जगह तुमने मुझसे कहा था कि शिवानी जिंदगी का सामना करना सीखो, और आज तुम मेरा सामना नहीं कर पा रहे हो। शिवानी तुम सचमुच ब्यूटीफुल हो। आई लाइक यू। अब बोलो, डू यू लव मी? डू यू लव मी? ओके ओके, आई लव यू। ओके नीचे उतर आओ प्लीज। कहा था प्यार जीतने के सिर्फ 6 स्टेप सिखाऊंगे, सातवां मैं अपने आप समझ जाऊंगी, है ना? मैं अपने आप समझ गई कि अपने आप को देना पड़ता है प्यार में। लो, सातवां फेरा भी पूरा कर लो। मन से तो मैं कब की तुम्हारी हो चुकी हूं, अब तुम मुझे। आओ आओ बैठो बैठो, ये लो तेरी लाइफ का सब कुछ। ये क्या है? इसमें 10 लाख रुपए के छुट्टे हैं। ये तुम्हारे बिजनेस के लिए रख दो। अरे डील पक्की हो गई वीरानी ग्रुप के साथ, मुबारक हो। और संजू, ये 5 लाख के छुट्टे शिवानी की शादी के लिए। शिवानी की शादी की तैयारी शुरू कर दो बॉस। अरे ऐसा रंग जम जाना चाहिए कि शिवानी की शादी याद रह जाए। ए संजू, तू कुछ नहीं हुआ क्या? क्या सोच रहे हो? आंखें बंद करोगे तो मुझे पाओगे, आंखें खोलोगे तो मुझे ढूंढोगे। अब कहां जाओगे? शिवानी, संजू भैया प्लीज मुझे बचा लो ना।
मुनि। ये क्या जगह है संजू? बहुत ही खूबसूरत है। आज मैं इतनी खुश हूँ कि ऐसा लगता है खुशी के मारे रो पड़ूंगी। और एक तुम हो उन तारों की तरह जो हमारे साथ तो है पर हमारे पास नहीं है। शिवानी मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। एक मिनट हिलना मत। हाँ तुम्हारी पलक कितनी क्यूट है। इसे हथेली पे रखो, आंखें बंद करो, अपने चाहने वाले का नाम लो। सच्चे दिल से जो भी मांगोगे मिल जाएगा। मुझे कुछ नहीं मांगना। पलक का इंसल्ट मत करो, आखिर रो रही थी। मुझे मांगो। इनफ शिवानी। ऐसे मूड में क्यों हो तुम? चलो तुम्हें और एक चीज दिखाती हूँ, आओ। चलो पागल प्रेमियों की तरह हर जगह हमारे नाम लिखते हैं। संजू शिवानी। इनफ शिवानी, ना ये मेरा नाम है ना मैं तुम्हारा हूँ। शिवानी मेरा नाम संजू शास्त्री नहीं है। मैं तुम्हारे रिश्तेदार से ये नाम लेकर तुम्हारे घर का एड्रेस लेकर तुम्हारे घर में घुस आया था। शिवानी मैं एक फ्रॉड हूँ, एक चलता पुर्जा चीट हूँ मैं। अच्छा, मैं भी शिवानी नहीं हूँ संजू, मैं वो फूलन देवी हूँ। एक्चुअली आई एम मैडोना। नो 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 नो, एक्चुअली आई एम कमला भाई सोंटकी। नमस्ते। शिवानी प्लीज, मैं तुम्हारे घर में घुस के 50-60 लाख रुपए की टोपी घुमाने आया था। आइडिया, एक काम करते हैं, दोनों साथ में मिलके घर साफ कर लेते हैं, फिर दूर चले जाएंगे, कनाडा, अमेरिका, नहीं, अच्छा ठीक है, बांग्लादेश। शिवानी प्लीज, तुम समझती क्यों नहीं? मैं तुम्हें चीट नहीं कर सकता शिवानी, यकीन मानो शिवानी, मैं यकीन के लायक नहीं। मत देखो मेरी आंखों में शिवानी, तुम्हारी आंखों से डर लगता है मुझे। तुम चाहती हो ना कि मैं कुछ मांगू, तो आज मैं मांगता हूं कि तुम मुझे हमेशा हमेशा के लिए भूल जाओ शिवानी, हमेशा के लिए। सिर्फ एक और दिन चाहिए, आज की रात और कल का दिन, वो अपने आप समझ जाएगी। उसे समझ नहीं होगा, आप फिक्र मत करो। संजू बेटे, तू कुछ परेशान है? मुझे पता, देख तू कहीं भाग तो नहीं जाएगा ना? हाँ, नहीं ना? पिता, इससे तेरा पैर ठीक होगा, क्यों सिद्ध कर रहा है? संजू टहल ना, ठीक है, दवाई नहीं लगा रहा है, तेरी बात मानता है, तू ही समझा इसे। संजू देवर जी क्या हुआ? ए संजू, ये देख मेरा पेट आधा इंच अंदर चला गया, अब मैं फास्ट भी बोल सकता हूँ, बता क्या बोल के दिखाऊं? संजू क्या हुआ, तू इतना उखड़ा उखड़ा सा क्यों लग रहा है? अरे चीयर अप मैन। शिवानी मेरी बात तो सुनो, शिवानी
मम्मी कहती है कि शिवानी दीदी की शादी हो जाने के बाद वो हमें छोड़ के चली जाएगी। क्या सच्ची है सौगा संजू भैया? संजू भैया आप तो हमें छोड़ के नहीं जाओगे ना? बोलिए ना संजू भैया। आज मेरे पास कोई कहानी नहीं है तुम लोगों को सुनाने के लिए। तुम लोग जाओ यहाँ से, जाओ जाओ। लल्ले मेरी बात ध्यान से सुन। अरे अस्सी संजीव शास्त्री घर से निकल गया है, वो किसी भी वक्त वहां पहुंच सकता है। एक काम कर, जितनी जल्दी हो सके तो माल लेके वहां से निकल जा मेरे बाप। हो जाएगा नटवर, आज रात को ही काम हो जाएगा। जो किया मेरे पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ, मैं घर से बाहर हूँ, रोड पे आ गया हूँ मैं। तू एक काम कर, चकना कर मेरे को मिल। अच्छा ओके चले, सब बोल संजू की तरह बोल। कौन कहा है संजू? मेरे को नहीं पता। संजू की तरह बोल। मैं अभी अभी अपनी याददाश्त को बैठा हूँ। तू याददाश्त खो बैठा है, मैं अपनी बर्दाश्त खो बैठा हूँ। सही बात है। चल। मैंने कोई चमत्कार नहीं किया, मैं तो एक घर छोड़कर भाग रहा था। हम तो उम्र भर के लिए तेरे कर्जदार बन गए। कौन लगता है तू हमारा? क्यों करता है ये सब? महेश भाई मैंने कुछ नहीं किया, मैं कोई चमत्कार करने वाला बाबा नहीं हूं, मैं तो यहां से भाग रहा था। देखिए महेश भाई, मुझे आप लोगों से कुछ कहना है। महेश भाई, शिवानी तुम तो जानती हो सब कुछ, तुम ही बोलो ना। ये तो तुम्हारा एक और जादू है हमारे घर पर, वही जादू संजू जो तुमने मुझ पर भी किया था। दादाजी, पापा, मैं संजू को चाहती हूँ। क्या क्या बकवास कर रही है तू? हम तो वीरानी परिवार को जबान दे चुके हैं। ये मेरी जिंदगी है महेश चाचा। खामोश क्यों हो संजू, जवाब दो। संजू अपने मुंह से कहे या ना कहे, मैं उसे चाहती हूँ, सिर्फ उसे। और इस बार अगर मुझे किसी ने कुछ कहा, रोका या टोका, तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। शिवानी नहीं, आप लोग इसकी बात मत सुनिए ना। मैं संजू शास्त्री हूँ,
और ना ही मैं लायक हूं इस रिश्ते के लिए। धोखेबाज है ये, फ्रॉड नंबर वन है ये। अरे पर तुम कौन हो भाई? संजू शास्त्री। संजू शास्त्री आपका रिश्तेदार। ये आदमी मुझसे आपके बारे में पूछकर, आपका एड्रेस लेकर, मेरे फोटो पासपोर्ट सब कुछ छीन कर यहाँ आ गया। हाँ? और इसके दोस्त मुझे 2 महीने तक घुमाते रहे इंडिया में। बहुत चालू आदमी है ये। मैं सुमन का बेटा हूँ दादाजी। कहाँ जा रहे हो मिस्टर संजू? मतलब राजू का चलना महज एक इत्तफाक था? आस्तीन के सांप, हमसे इतना बड़ा धोखा किया तूने? क्यों किया तूने ऐसा? बता तुझे क्या चाहिए? पैसा? कितने पैसे चाहिए तुझे? कल पुलिस को बुलाओ। जी अभी करके आता हूँ। पुलिस को मत बुलाना प्लीज। तूने हमारे साथ ये खेल खेला? तूने संजू, जिनके घर में अपना बनकर रहा इतने दिनों तक? इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा नाटक संजू, अब तो आदमी जात से भरोसा ही उठ गया हमारा। क्यों किया तूने ऐसा? इसका मतलब तू सचमुच भाग रहा था? हाँ, ये राजू जो इस तरह खड़ा है वो शौक से नहीं, वो एक इत्तफाक था। हम तुम्हें चमत्कार करने वाला समझ रहे थे। हाँ, ये क्या खड़ा करेगा राजू को, ये तो खुद गिरा हुआ है। झूठा कहेगा तो ऐसा क्यों किया बेटी? तुझे बेटा माना था मैंने, ऐसा करके तुझे क्या मिला? वो श्लोक, वो रामायण, तूने तो मेरी श्रद्धा को ही झूठा साबित कर दिया। अरे इस बुड्ढे की हाय लगी थी तुझे? हाय जैसे खेलता था मेरे साथ, और मन के अंदर इतना बड़ा फितूर, हमारे प्यार का मजाक उड़ाया इसने। तो देख कैसे रो रही है, क्यों खिलवाड़ किया मेरी बेटी के साथ? अमीरी के ख्वाब, लाखों का बिजनेस, करोड़ों की बातें, क्या चाहिए तुझे? पैसा चाहिए? कितना पैसा चाहिए? इस बैग में क्या है? शादी के पैसे। बेशरम नाली, तू बैग ला इधर, बैग ला। चोरी करना बाजू हो गया पीछे, बैग दे। चोट लगी है, आयोडेक्स मलिए, काम पे चली। उठ। ए, कौन है तू? ए, सौंदर्य साबुन निर्मा, हाथ में गंदे के समझ में नहीं आते कौन है हम लोग। चल क्या चुराया इसमें? ला। कुछ नहीं, ये दिल मांगे मोर। ला, ला। मैं बताता हूँ इसने क्या चुराया है। देख। सीन है यार, जिसने लूटा है वो भी रो रहा है और जो लूट गए वो भी रो रहे हैं। क्या सीन है यार? अरे रे रे रे, क्या है यार? ये क्या है? आठा ना, ये चार आना, ये 35 पैसा, और ये श्रीमद भगवत गीता। चौधरी का घर लूटा है कि कबाड़ी की दुकान लूटी है? ये सब क्या कचरा लूटा है इसने? या हम तेरी जान के पीछे पड़े हैं और तू अपनी जान यहां लूटा रहा है? हाँ? अबे हीरो होंडा, इस घर के दरवाजे के बाद लेफ्ट लेगा ना तो एक दुनिया शुरू होती है, जहां पे इन चीजों के रद्दी के दाम भी नहीं मिलते, और तू महल से कचरा उठा लाया। वाह। और आप लोग प्लीज मेहरबानी करके रोना बंद कर दीजिए, हम अभी लूटना शुरू करेंगे। जा लूट। मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, इस फैमिली को कुछ मत कर प्लीज। क्यों, इसने राखी बांधी है तुझे? हा? मैं रिश्ते में लगता हूँ तेरा? मुझे मेरे पैसों से मतलब है, चल लुट। तेरा हिसाब किताब मेरे साथ है, तू इस फैमिली को इसके बीच में मत घसीट। अरे तू क्या जानता है कि माँ क्या होती है, रिश्ते क्या होते हैं? इस घर के आंगन में मुझे कोई गंदगी नहीं चाहिए जोगिया, वरना यहीं दफना दूंगा मैं तुझे। गर्मी में डालो दूध में आइस, दूध बन गया वेरी नाइस, दूध 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 दूध। हाय, बुढ़ापे के पीछे जवानी छलक रही है। आराम का मामला है, अपन के चॉइस का मामला है। इसके साथ कुछ किया कि नहीं, कि वो भी मैं ही करूं? आई लव हर जोगिया, आई लव।
रूप निखरा गुणकारी चंदन से। चल अंदर जा और गहने पैसे उठा कर ला। चल जा। कोई अंदर नहीं जाएगा। कोई नहीं जाएगा? चिमन टुंडा, ये सुना तुमने? तंदुरुस्ती की रक्षा करता है लाइफ बॉय। जरा पार्सल ला तो। इनके झूठ से बच के कहाँ जाओगे? अब बोल, अब तू लात मारेगा ना इन घर वालों को। जा के पैसे लेके आ जा। बच्ची को छोड़ दे जोगिया। अच्छा, फेंक दे रे। नहीं। संजू भैया, क्या कैच पकड़ा है? ब्रिटानिया खाओ और वर्ल्ड कप जाओ। बच्ची को नीचे उतार। लल्ले मान गया, ये दिल्ली तेरी कमजोरी है, ये दिल्ली तेरी ताकत है। जा यार, प्यार कर और शादी मना। तेरे एक एक मुक्के में सात सात जन्मों का कमिटमेंट था, तो इसकी फिक्र मत कर, बच्चे को मैं संभालता हूं। खुश रहे यार। बाय। इस घर में आने के बाद मैंने हर बात झूठी कही, मेरी हर बात झूठी थी, लेकिन एक बात सच थी कि तुम वाकई खूबसूरत हो। किसी की भी जिंदगी संवार सको उतनी खूबसूरत। और तुम्हारी जिंदगी? भूल जाओ मुझे, एक पूरे सपने की तरह। था ना, जिंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए, हार नहीं माननी चाहिए। आने वाला कल हमेशा बाकी होता है, और कोई आपको माफ करे ना करे, मैं आपको माफ करता हूं। उठो ना संजू भैया, प्लीज। तुमने तो मुझको मुझसे मिलाया है संजू, तुम बुरे कैसे हो सकते हो? मेरी नजर से देखो तो कितने अच्छे हो, तुम कितने अच्छे हो सज्जू। हमारे लिए बेटी की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है। जब रिश्ता नहीं था तो इतने दिन रुक गए, अब रिश्ता है तो जा रहे। ए संजू, अब मान भी जा, वरना हम पुलिस कंप्लेंट करेंगे कि एक आदमी हमें अच्छे अच्छे सपने दिखाकर चला गया।